જોવાનો કોઈ ખેડો માઇક પાસે કે ખેડો चलो बदा खूब भक्ति भावना साथे बोलो भाग्य स्कूटर नी चावी कोई ने मड़ेली हो तो भाई ने आपी देजो सभी लोग थोड़े थोड़े दूर बैठ जाइए थोड़े थोड़े दूर बैठ जाइए सभी लोग बोलो श्री आदिनाथ भगवान की बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान बोलो संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की सभी के आपके बल बोलो संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय हो बोलिए श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का अष्टम तप की साधना चारों तरफ शुरू हो चुकी है के बंद करते हुए विश्व के अंदर जहां जहां भी प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान है उनका ध्यान उनकी वंदना उनको नमस्कार जिन्होंने भी अठमवी तपस्या की उन सभी को वंदना करते हुए तीनों काल में तीनों लोक में भूत में भविष्य में वर्तमान में अठम करने वाले सभी तपस्वियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं साता पूछ रहा हूं भाव प्रभाव ना हो सके तो अपने संग में जाकर कुछ न कुछ द्रव्य को समर्पित करते हुए आप प्रभाव में समर्पित करेंगे यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने अठम की तपस्या की है उन सभी तपस्वियों की साता पूछते हुए आखिरकार अब जबले संकेश्वर समेत शिखर जी चिरावला कहीं पर भी ऐसे स्थान की पूजा की है वो सभी स्थानों को याद करते हुए 10 से 30 सेकंड के लिए वो प्रभु की भाव पूजा यहाँ पर आप बैठे बैठे करेंगे Thank you.
सारसुरा परमात्मा का जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः। नमन कीजिए पूरे विश्व भर के अंदर जहां जहां भी प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान है, वो सभी प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ में ऑनलाइन भी जितने भी उपवास के अष्टम के तपस्वी हैं, सभी लोग अपने अपने नाम लिख रहे हैं और सभी लाइव के भी तपस्वी की हम वंदना शिक्षा का कर रहे हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम वामनासनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वति प्रभु तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयेस्तु आदिमं रुद्रवीनादम आदिमं निष्परिग्रहम आदिमं दीर्घनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुम। हे देवादिदेव प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा, प्रभु का एक एक कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, अलग अलग प्रकार के पंच कल्याणक, नारका अपि मोदन्ते, विश्व के जीवों को तो सुख साता देता ही देता है, लेकिन प्रभु का नाम नरक के जीवों को भी साता प्रदान करता है। तो भगवान की भक्ति करते करते पहली आज की चीज, प्रभु मुझे समाधि प्रदान करो, प्रभु मुझे सत्व प्रदान करो, प्रभु मेरे भीतर के अंदर मैत्री का गुण प्रदान करो। और यहां पर जितने भी लोग बैठे जो चाहते कि यश मिले, सम्मान मिले, तो भगवान महावीर का एक ही, प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का एक ही संदेश है, जहां पर भी अच्छा हो रहा है वहां पर दौड़ करके अब जाइए। परमात्मा ने 150 कल्याणक की जबरदस्त साधना और इनके कारण प्रभु का इतना आदि नाम कर्म बना, इतना प्रभु को यश मिला और उसी के कारण आज विश्व में जितने भी देरासर है, वो सभी देरासरों के अंदर प्रभु की प्रतिमा और सभी भक्तों के घर के अंदर अवश्य में एक छोटी सी भी तस्वीर या प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा दिखाई देती है। ऐसे परमात्मा को नमन करते हुए, वंदना करते हुए, एक एक तीर्थ की स्पर्शना करते हुए, आंखें बंद सभी की, 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का जो भी तीर्थ आपको याद है, एक एक तीर्थ के अंदर आप जाइए, वहां के भगवान को आप देखिए और भाव पूजा, आपको पुष्प चढ़ाना अच्छा लगता है, आपको साथिया बनाना अच्छा लगता है, आपको चावल से भगवान को बधाना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आज भगवान को समर्पित कीजिए। कलिकुंड पार्श्वनाथाय नमो नमः, जिरावला पार्श्वनाथाय नमो नमः, अजाहरा पार्श्वनाथाय नमो नमः, जगवल्लभ पार्श्वनाथाय नमो नमः, चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमो नमः, नागेश्वरा पार्श्वनाथाय नमो नमः,
विजय मंडोवरा पार्श्वनाथा ये नमो नमः। और एक ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, 108 पार्श्वनाथ भगवान में कभी जिंदगी के अंदर आप राजस्थान जा रहे हो तो एक बार आपको मेड़ता रोड बराबर लिख लेना मगज के अंदर, जहां पर एक भगवान है जो प्रभु का नाम है फल वृद्धि पार्श्वनाथाय नमो नमः। एक एक पार्श्वनाथ परमात्मा की अमाप कथा है जिनको संतान नहीं हो रहे हैं। संतान के लिए बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी जिनको फल नहीं मिल रहा है, एक बार फल वृद्धि पार्श्वनाथ परमात्मा मेड़ता रोड वहां पर भगवान का स्नात्र महोत्सव, भगवान का अभिषेक, वह संगहरम की पूजा, हे फल वृद्धि पार्श्वनाथ भगवान, जगत के अंदर अनेक 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 नए जैन श्रावक श्राविकाओं का आगमन हो, अभ्युदय युक्त जैन शासन का निर्माण हो। चंपा पार्श्वनाथ भगवान, सुल्तान पार्श्वनाथ भगवान, नारंगा पार्श्वनाथ भगवान, टाकला पार्श्वनाथ भगवान, एक पाटण का व्यापारी घी का बिजनेस करे, व्यापार के अंदर जो भी लोग चाहते हैं कि अभिवृद्धि हो और प्रभु ने उनकी बात सुन ली, इतना पैसा आ गया, अब इतने पैसे का मैं क्या करूंगा, और वो घी का व्यापारी भगवान को भराता है और उस भगवान का नाम हो जाता है घिया पार्श्वनाथ भगवान। जिस प्रकार से संकेश्वर पूरे विश्व का आस्था स्थान है, उसी प्रकार से बहुत सारे मारवाड़ियों का आस्था स्थान है नाकोड़ा नगर, मेवा नगर, और उस तीर्थ में विराजमान नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान को भावे करूं हूं वंदना। एक एक पार्श्वनाथ परमात्मा मुंबई के अंदर विराजमान गोड़ी जी पार्श्वनाथ भगवान, नरोड़ा के अंदर विराजमान गोड़ी जी पार्श्वनाथ भगवान, प्रेरणा तीर्थ के अंदर विराजमान प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, और सभी पार्श्वनाथ परमात्मा को वंदना करते हुए आज का स्वाध्याय, आज की महासाधना, रोम रोम के अंदर प्रभु उत्साह को भर दीजिए। प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के 10 भाव काशी देश बनारस नगरी अश्वसेन राजा वामादेवी माता, कल भगवान का हम अद्भुत जन्म महोत्सव यहां पर करने वाले हैं। हमने हमारे बहुत सारे जन्मोत्सव कराए लेकिन प्रभु का जन्म कल्याणक बड़े अक्षरों में मगज के अंदर लिख दीजिए कि भगवान का जन्म कल्याणक हमें अजन्मा बना देता है, और इसीलिए हमारे सारे पूजन के अंदर हम बोलते हैं ओम रीम श्रीम परमपुरुषाय परमेश्वराय, उसके बाद क्या आता है, ये जितनी भी हम क्रिया कर रहे हैं भगवान अब हमें कभी भी जन्म लेना, वृद्धत्व नहीं प्राप्त करना है। अमेरिका फॉरेनर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उनको थोड़ी सी करचली भी चेहरे पे आ जाती है वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, थोड़े से काले हो जाए, थोड़े से दो चार पिंपल्स हो जाए चेहरे पे, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, बोलिए जन्म जरा, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, हे प्रभु मेरे भाव का निस्तार करो, मुझे अजन्मा बना दो,
ये मेरा आखिरी जन्म हो, वो भाव को निर्माण करते हुए धीरे 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 दोनों आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए जीवन के अंदर एक बार ऐसा अवसर आ जाए आपके पास, आप आपके जीवन के अंदर 108 बार श्रद्धा परमात्मा के दर्शन करो। दोनों हाथों से आगे कीजिए मंत्र स्नान। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वदजलाय पाम 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 जीम सीम असूचि सुचिर भवामि। जोर से बोलिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पूजाओं के बराबर ओम विद्युत स्फुलिंगे मा विद्ये सर्वक्लमसं दह दह स्वाहा। हृदय के ऊपर हाथ, भीतर के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा का एक बहुत ही प्यारा सा भजन, और बहुत सरल शब्द में आपको बता दूं, आज आपकी आंखें इतनी खुल जाएगी, भगवान कहीं पर बाहर नहीं है। फिर से भगवान कहीं पर, कहां पर है भगवान, कहां पर है? बाहर की आंखों से आप देखेंगे तो आपको प्रतिमा दिखेगी। फिर से बाहर की आंखों से आप देखेंगे तो आपको प्रतिमा दिखेगी, और जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगे तब आपको साक्षात परमेश्वर का दर्शन होगा। और इसीलिए जब आप डीप अवस्था में जाते हो तो आपको कभी ना कभी कोई आकृति, कोई छाया चित्र, कोई परम चित्र या ऐसी कोई चीज का दर्शन होता है कि आपको यही कहता है बस मैं आंख बंद करके बैठा रहूं, या आंख बंद करके बैठ करके अपनों के साथ जो अनुसंधान जोड़ना, उसी का नाम ध्यान है। हमने बाहर से तो बहुत बार भगवान को देखा, अलग 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 प्रतिमाओं को देखी, लाल काली पीली वाइट सब भगवान को आपने देखा होगा, लेकिन आपको जो आंख बंद करके जो दर्शन होगा, कभी कभी आप इतने हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको आपका स्वयं का दर्शन होगा, और आपको आपका स्वयं का दर्शन होना उसका मतलब है पाप परमेश्वर बनने की राह पर निकल गए। ये भक्तावर हीलिंग की साधना आपके भीतर का दर्शन कराती है। आप आज से ही भगवान हो, मैं भगवान बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं। और ओशो के बहुत सारे ध्यान का जब मैंने अभ्यास किया तो उसमें तो रोज यही सिखाते हैं कि आप रोज बोलो कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान बन जाऊं। वो भी संकल्प गलत है। क्या मैंने बोला आपको? मैं भगवान बन जाऊं, यानी आप चाहते हो कि 100 200 500 साल तक आपको और जीना है, और वेदना और प्रॉब्लम को खड़े करना है, आप बाद में भगवान बनना चाहते हैं? आज से दोनों हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद, जो भी प्रभु आपको याद आ रहे हैं पार्श्वनाथ परमात्मा, उनको देखिए हृदय के अंदर, मेरे हृदय के मंदिर के अंदर। अभी हमारा प्रभु जी ने मंदिर मा, और मंदिर ना बड़े हृदय मा पधरावीश। आज से 3 दिन प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की अमाप साधना। ओम विमलाय विमल चित्ताय जीम से स्वाहा।
पहले से रखिए। क्षी प ओम स्वाहा स्वाहा क्षी जी प, सब बोलिए अदृश्य रूप से एक रक्षा कवच को बनाते 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 ओम परमेश नमस्कार सारात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र वज्रावम स्वराम्यम ओम नमो हरियंदाणम शिरस्कम शिरसिष्टिकम ओम नमो जोषिताणम मुखे मुखमनाम वरम ओम नमो आयिर्याणम अंगरक्षादिशायिनी ओम नमो वज्रायणम आयुधमस्ते उरम ओम नमो लोहे सवसा हुणम मोचके बादयो सुबे येसु वंजन मुकारो शीला वज्रमय दले सहवाव फणासणो वप्रो वज्रमयो भई मंगलाणम जो सुबे सिम गादिरा गार गादिका स्वाहम नम जो मदम ने मडम गवई मंगलम वप्रो परि वज्रमय मिदानम दे रक्षणे महाप्रभाव रक्षेयम सुद्रो भद्रनाशिनी परमेष्ठि वदत बूदा करिता पूर्व सूर्यवीम यस्यवम गुरुदे रक्षा वर्मेष्ठि पदे जुदा तस्न सदाचन राधिश्चापिकदाचन आदेश रखिए। आखे बंद, क्षेत्रपाल देवता का मंगलकारी विधान। जितनी भी आपकी जगहें हैं वो सारी जगह को पूर्ण रूप से पवित्र करण मन के अंदर आप तीन बार बोलिए। मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। आंखें बंद कीजिए। घर दुकान ऑफिस जितनी भी जगह है वो सभी जगह शुभ वास्तु ऊर्जा से भरपूर हो रही है, भरपूर हो रही है, भरपूर हो रही है। शुद्धिकरण का अभ्यास। ओम श्याम जीम जूम जीम सोम चंद क्षेत्रपालाय कृष्ण गौर कांजल प्रवणाय शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि गुरु गुरु संकल्प मुद्रा हाथ से रखिए। पहले नंबर का संकल्प सभी लोग स्लोली 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 हाथ से रखना, छाती के पास हाथ। हे भगवान, आपकी भक्ति करते 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 मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अगला जन्म मुझे महाविदेह क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास संयम की प्राप्ति। तीन बार अपने पूरे शरीर को कमांड दीजिए, मैं रोम रोम से स्वस्थ हो चुका हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं।
आपकी तिजोरी को देखिए, जहां पर आपने सोना चांदी हीरा रूपू माणिक पैसा रखा हुआ है, उस सब जगह पे पूर्ण रूप से अमाप धन कोट्याधिपति जितना भी आप पैसा अभी तक कमा रहे थे उनसे डबल ट्रिपल चौबल पंचम इतना धन आपके पास आ रहा है। तीन बार मन के अंदर आप बोलेंगे, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं। ये भक्तावर लिंग की साधना को देखते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए आपके भीतर के अंदर समभाव दृष्टि, शांति का भाव, सहजता का भाव, और उसी के लिए मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। जैसे मैं आप सभी को बुला रहा हूं, वैसे आप सभी लोग बोलते 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 नमन करते हुए जगत के अंदर सबसे बार जो मंत्र का गान किया गया है वो शांति मंत्र का पाठ हम सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे। ओम नमो जिनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रीम रूम रेम रोम राम असिया उषा तेलुकिल नाम बुदाय शुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। अपने पूरे परिवार के सभी लोगों को याद कर लीजिए, भाई बहन माता पिता स्नेही स्वजन, ये साधना ये प्रार्थना की शुभ ऊर्जा उनके पास भी पहुंच रही है। ओम नमो जिनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रेम रूम रेम रोम रह असिया उषा तैलोक्यलाम भूताय शुद्रो भद्रो समनाय अर्हते नमः स्वाहा। और आखिरी अंदर श्रवण संघस्य शांतिर्भवतु जनपदानाम शांतिर्भवतु, और आखिरी के अंदर आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो, ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। इसलिए आखिरी बार बुलंद आवाज के साथ में प्रभु उन सभी लोगों का कल्याण करें जो यहाँ पर विद्यमान है, जो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो। ओम नमो जिनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणम राम रेम रूम रेम रोम रह असिया उषा तिलोक्यललाम भूताय शुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। अद्भुत अभ्यास को करते करते मन सभी के हाथ ऊपर, जो रोज की हमारी क्रिया है अपने सारे रोगों को याद कर लो। देखो आपको पता होना चाहिए, पहले कागज पेन में लिख लो आज की नई तारीख, आपका नाम, सभी लोग नोट पेन के अंदर यहाँ पर लिख लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिए कितने कितने आपके रोग हैं, क्या क्या रोग की आप दवाइयां ले रहे हो,
जहां से आप ठीक होना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि 13 दिन के अंदर कम से कम आपके एकाध दो रोग, किन किन लोगों को डायबिटीज है हाथ ऊपर करो, डायबिटीज। कल मैं आप सभी के लिए पूरे गुजरात के नंबर 1 डायबिटीज रिवर्सल डॉक्टर को बुलाना चाहता हूं। क्या आप सब लोग स्वस्थ होना चाहते हैं? यस और यस। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक हमने 600 लोगों का डायबिटीज मिटा दिया है। बजाय जोरदार तालियां, सिर्फ और सिर्फ इस भक्तापर के प्रभाव से। कल वो आपके पास आएंगे, कुछ पावरफुल ऐसी टेक्निक बताएंगे। एक बात आप बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, समझ जाइए कि कभी भी डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है। शुगर और स्वीट दोनों अलग चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी के जीवन के अंदर वैल्यू क्रिएट हो, और वो कैसे होगा, वो सारी प्रैक्टिकल टेक्निक डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं। लिख लिया सब लोगों ने, मुझे डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, क्या क्या है, क्या क्या आप जल्दी से जल्दी मिटाना चाहते हैं, सारे रोग को लिख लो। लिखोगे तो आपको याद रहेगा। सारे रोग को लिख लिया, किन किन रोगों के आप दवाइयां खा रहे हैं, हाथ ऐसे रखिए सभी लोग, थोड़े थोड़े महिला आगे आ जाइए, वो जाजम पड़ी है इधर, कहाँ गई जिगर भाई, ले लिया है। कटासना किन किन लोगों के पास है, कटासना वो सब लोग थोड़े आगे आ जाओ और मेरे पास में बैठो और करीब आ जाओ, आप आगे आ जाइए, कटासना है आपके पास, आगे आ जाओ जिगर भाई, 5-6 दिन थोड़ी बेसवानी व्यवस्था बराबर कराई दो, ऐसे हाथ रखो थोड़ी देर के लिए, सारे यहाँ के मसल्स ऐसे घुमाओ थोड़ी देर, हाथों को घुमाओ स्लोली स्लोली, फास्ट नहीं, कोई भी चीज फास्ट नहीं करना है, स्लोली स्लोली। ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, रिवर्स 3-3 बार, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः। यहां पर रखिए धीरे से हाथ, आंखें बंद, पूरी तरह से तैयार हो जाए, जैसे हम रोज 3 बार प्रैक्टिस, पूरी ओरा की क्लीनिंग, कभी कभी हमको बुरी नजर लग जाती है और इसमें से बहुत सारे, मैं जब पूरी नजर ऐसे घुमाता हूं, 98% लोग बहुत भोले हैं, उनको पता ही नहीं कि कैसे जिंदगी जिया जाता है और इधर उधर बेचारे फंस जाते हैं। आप 5-7 लोग इधर आगे आ जाइए ना, आगे आ जाओ, बहुत पीछे पीछे एकदम जाम, जिगर भाई आ लोगों ने आगे ले लो, थोड़े थोड़े आगे, आपके पास कटासना है नहीं है, जिनके पास कटासना है वो लेकर आगे आ जाओ। हो गई व्यवस्था सभी की? चलो हाथ अब ऐसे रखेंगे। ये 2-3 जो पुरुष लोग बैठे कुर्सी वाले इधर ले लो ना उनको, आप आगे आ जाओ, बक्साली हिलाल साफे वाले आप कुर्सी लेके इधर आगे आ जाइए, वहां पर थोड़ी और भी बहने बैठ जाए, वो पीछे वाली सारी जगह को खाली करा दो, वहां पर सब बैठ सके। तो भक्तावर सूत्र की पहली गाथा के पाठ से जहां पर भी हम स्टॉक हो चुके, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, थायरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेनी पड़ती है वो खास करके लिख लीजिए, उनको मिल्क प्रोडक्ट टोटली बंद करना है। कोलेस्ट्रॉल मतलब सीधी भाषा में आप समझेंगे, बिना काम का शरीर का फुगावा। जब हद से ज्यादा बढ़ेगा तो पैर है, चेहरा है, हाथ है, वहां पर सूजन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। छाती की बीमारियां, शरीर की अलग 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 अनेक बीमारियां आपके भीतर के अंदर बढ़नी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आप लेंगे उससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होने वाला है। पेरासिटामोल नाम की दवा, नाम सुना है आप लोगों ने, किस लिए आप खाते हो? यहां पर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है? मेडिकल का स्टूडेंट कोई है? मेडिकल का कोई डॉक्टर साहब है? नहीं है। आज मैं आपको बड़ा रिसर्च बता रहा हूं, होते तो वो भी साबित कर देते। पेरासिटामोल नाम की दवा से कभी भी बुखार नहीं मिटता है। कितने हम भ्रम के अंदर है। 200 साल पुरानी ये कंपनी और उनके सारे रिसर्च पेपर, सारे थीसिस आप गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना। पेरासिटामोल जैसे आप खाते हो आपका शरीर जो गर्म हो गया है वो ठंडा हो जाता है। ताव के सिम्टम्स को दूर करने का काम ये पेरासिटामोल नाम की दवा करती है। बुखार क्यों होता है? बुखार होता क्यों है? हमारा शरीर ही है ना, ये हीलिंग का प्रोसेस ये है कि हमारा शरीर ही हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकता है। लेकिन हम इतनी दवाइयों के पीछे, थायराइड एक बार आ जाता है पूरी जिंदगी भर आपको थायराइड की दवाइयां लेना है, आपको डायबिटीज आ जाता है पूरी जिंदगी भर, ऐसा बोल नहीं सकते है। आपको पता है 2 मिनट में मैगी हो जाए, ये कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? 2 मिनट में मैगी खा लो, पास्ता खा लो, उसकी जाहिरात का पैसा देने वाली संस्था कौन है? हाँ, नेस्ले। नेस्ले को फंडिंग कौन करता है? हमारे जैसे छोटे छोटे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ये यूनिवर्स के अंदर ये पूरी सिस्टम चलती कैसे है। नेस्ले को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाली कंपनियां और कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। यानी क्या पता चल रहा है आपको? दवाइयां बनाने वाली कंपनियां करोड़ों रुपया ऐसी प्रोडक्ट की एड में लगाते हैं जिससे लोग 2 मिनट में मैगी खाओ, बीमार पड़ो। और क्या खाना खाना पड़ेगा आपको? जोर से बोलो, क्या खाना पड़ेगा? किसको बेनिफिट? घूम फिर के पैसा कहां जाने वाला है? इतना इतना। अच्छा एक बात सुनो, जैसे ही दिवाली आएगी आप लोगों को पेपर के अंदर दिखेगा कि ये दुकान में इतना नकली मावा पकड़ा गया, ये दुकान में इतना नकली मावा पकड़ा गया, ये मिठाई की दुकान के अंदर इतना, पुलिस की इतनी रेड हो गई, और चारों तरफ ऐसा समाचार आप लोग देखते हैं टीवी में, पेपरों में देखते हैं। हाय आना, हमारे मगज को इतना इन लोगों ने खलास कर दिया है। और इसकी सीक्वेंस ही देखो, जैसे एक न्यूज आएगी कि ये दुकान के अंदर, ये मिठाई की दुकान के अंदर इतना मावा पकड़ा गया है, वो एड जैसे ही खत्म होगी उसके बाद तुरंत आएगी एक बिस्किट की एड, एक मिठाई की एड, एक आएगी चॉकलेट की एड। यहां पर खत्म होगा, यहां पर छापा पड़ा तो बोले मिठाई सारी डुप्लीकेट है, मिठाई के अंदर मिलावट है, कुछ मीठा हो जाए। और कुछ मीठा हो जाए में क्या दिखाएंगे? समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब?
जो हमारे मेथी के लड्डू, जो हमारे बेसन के लड्डू, जो हमारी सूट की गोलियां, जो हमारे प्राचीन मिठाइयां हमें स्वस्थता देती है, उसको छोड़ो और खाओ क्या आप लोग? देश को तोड़ा जा रहा है, देश के करोड़ों रुपया विदेश जा रहे हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। और मुझे तो दुख ये होता है कि मैंने मेरी जो जर्नी शुरू की उस वक्त 5 रुपये 10 रुपये की डेयरी मिल्क ये सारी चॉकलेटें आती थी, 20 रुपये की आती थी, आज वही छोटी छोटी चॉकलेटों की कीमत 200-200, 300-300 रुपये के अंदर एक डेयरी मिल्क आती है। देखा है ना आप सब लोगों ने? भयंकर 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 हम कहां जा रहे हैं? ऐसे याद रखिए, ऐसे हेल्थ की कितनी सारी बातें, एक नहीं 6 महीने तक लगातार ये सेशन चले, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ये किस प्रकार का भ्रामक प्रचार के अंदर हम सब भोले लोग फंस जाते हैं। नीचे याद रख दीजिए। एक और आपको बात बताता हूं, आपको कोई मंत्र नहीं आया ना, ये 13 दिन में कोई भी चीज भी नहीं आए, तो एक चीज का थोड़ा सा अभ्यास करो, एक ही चीज, सिंगल चीज, जल्दी सोना शुरू करो और जल्दी उठना शुरू कर दो। ये लोग बरसों तक रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च करके एक ऐसी फॉर्मूला दुनिया के अंदर दे देते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी, आज आपको अंग्रेजी नहीं आए तो आप अपने आप को कमजोर समझेंगे। डंकी पिक्चर देखा है? डंकी पिक्चर अभी आया हो, अभी एक पिक्चर आया है शाहरुख खान का डंकी, अब वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मानस के ऊपर कितनी अंग्रेजी सवार हो चुकी है, भूत हो चुकी है। तो यहां पर हमारी बात चल रही थी कैसे उन सभी से बचे। अब देखो हमारी संस्कृति ये कहती है कि रात को जल्दी सो और सुबह में जल्दी उठो। कल भी गुरुदेव ने यही बताया कि आपको आपका सहस्रार चक्राज में, आपको चक्रास की बात करूंगा, आपको आपका सहस्रार चक्र जागृत करना है। और धुरंधर महाराज ने बताया कि आपको सारी दवाओं को छोड़ना है, रोज 4 बजे उठो, 4 बजे 4:30 बजे उठ करके सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले लिखो सब लोग कितने बजे उठना है। आप अपने आप को 9 दिन के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, उसके लिए सूर्योदय जब भी होता है उसके 1.5 घंटे पहले, और उस वक्त आपका यदि भाव है तो कोशिश करेंगे प्रतिक्रमण करो। और आपको लग रहा है कि यार कोई भाव भाव नहीं आता है, प्रतिक्रमण नहीं आता है या नहीं करना है, तो सबसे सरल चीज मैं आपको बताता हूं, वो चीज का नाम है सुबह सुबह में घर से बाहर 6:30 से 6 बजे सूर्योदय होता है तो 5 बजे से 6:45 बजे या 4:30 से 6 बजे तक खुली हवा में चलना स्टार्ट कर दो। फिर से दवाइयों को आप ऑटोमेटिक बंद करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जो हवा चलती है उस हवा का नाम है महेंद्र वायु। क्या नाम है? आज भी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि माउंट आबू के अंदर, गिरनार के अंदर, हिमालय के अंदर, अभी मैं हिमालय जाके आया, 7 दिन तक मैंने हिमालय के अंदर विशिष्ट कोटि के जाप ध्यान अनुष्ठान साधना किया और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर अद्भुत सरस्वती माता का मंदिर है। तो कि हिमालय के अंदर ऐसे बड़े बड़े साधक है कि जिनकी उम्र 500 साल, जिनकी उम्र 700 साल, जिनकी उम्र 1000 साल है,
फिर से मैं बोलता हूं, कितनी उम्र है? 500, 700 और 1000 साल। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर एक व्यक्ति को जो देखा था जिनकी उम्र थी 150 साल, और अभी 2 साल पहले एक व्यक्ति को मिला इनकी उम्र थी 107 साल, और अभी एक गच्छाधिपति विराजमान है। किसी को नाम बताओ जिनकी उम्र है शायद 103 या 4 साल। आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, ये जितने भी हमारे लंग्स है, जितनी हमारी आंखें है, जितनी हमारी किडनी है, उनका मैक्सिमम आयु 150 साल का है। तो हमारी शिविर के अंदर हम सबको संकल्प कराते कि कम से कम हमको 100 साल तो जीना ही है, उससे कम सोचना ही नहीं है। ऐसे बड़े बड़े कार्य करना है, क्या मर जाना है? थोड़ा सा दुख आया, 2-4 बार भूखे रह गए, अच्छे कपड़े नहीं मिले, तो मर जाओगे क्या? अद्भुत जैन शासन के अंदर तो सुबह में कितने बजे उठना है आपको? कितने बजे? 4-4.5 बजे उठो, राउंड लगाओ, चारों तरफ घूमो, नवकार पंचिंद्रिय वो सगरम कुछ भी आता है वो सुनो। आखिरी दिन में आपको 13 भक्तामर देने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट राग के अंदर कुछ मेडिटेशन के म्यूजिक देने वाला हूँ, कान में लगा लो और अपने सौरत्व को प्रकट करो। मैं आत्मा हूँ, निरंजन निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, हमारी बात चल रही थी माउंट आबू में, गिरनार में, हिमालय के अंदर, ये जो 300 साल 500 साल 1000 साल के साधु पूरी रात करते क्या है? तो जैसे ही रात होती है एक औषधि होती है, औषधि को सूंघते हैं। ये अफीण है, गांजा है, ये सारी औषधियां थी। इसके बाद जो स्टेमिना पावर, जो ताकत हमारे भीतर के अंदर होती थी वो खत्म हो गई है। वो तुरंत यहां पर नाक पे ऐसे लगा के छड़ाक करके सुने, जैसे ही रात को लगाए उस वक्त वो अफीण में, वो गांजा के अंदर वो शक्ति दी। आखिरी टाइम अब जो बोल रहे हो वो पूरी 7-8 घंटे तक वो बोलते ही रहोगे। तो वहां पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे करके सीधा एकदम डीप ब्रीथिंग सांस को खींचे 7-8 घंटे अजबाजाब। हम माला लेते तो नींद आ जाए, जबकि आ जाए, लेकिन इनको तो 7-8 घंटे जाप करना है। तो साधना को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते थे, और जैसे ही सूर्योदय होता था उनका नशा भी धीरे धीरे खत्म होता था। आंखें खोलते थे, श्वासोश्वास लेते थे, और वो हजारों लाखों संत महात्मा साधक लोग, जगत का सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, बस यही सुभत्व ओरा पूरे विश्व के अंदर वो फेंकते थे। जो भी लोग जग रहे हैं उनको खाली वो ऊर्जा का स्पर्श होता है, परम अनुभूति, परम अनुभूति, परम अनुभूति। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों जल्दी उठना चाहिए? कितना सरल प्रयोग है। 4 बजे नहीं उठ सकते, 4:30, 5 बजे, 5:30 बजे भी आप उठ करके 15 मिनट का कहीं पर नहीं है टेरेस पे आप चले जाओ। चलना पैर दुख रहा है, स्फूर्ति नहीं आ रही है, आसन लगा करके बैठ जाओ, सिद्ध शिला का ध्यान करो कि जितने भी सिद्ध शिला में साधक लोग हैं, महान आत्मा है नमो सिद्धाणम, मेरे भीतर में कृपा दृष्टि को बरसा दीजिए और मुझे सिद्ध शिला में लेके जाइए। लेकिन ये सारी बातें जब विदेश में रहते साइंटिस्टों को, बड़े बड़े रिसर्चकारों को पता चलती है, तब उसके ऊपर उनका रिसर्च चालू होता है। और वो लोग सोचते हैं यार इंडिया तो विश्व गुरु है, इंडिया में 150-200 करोड़ की पब्लिक है, वो सब ऐसा करने लग जाएंगे तो हमारे पे हावी हो जाएंगे।
क्या करें, क्या किया जाए। और उस वक्त वो एक टीवी नाम का वस्तु का निर्माण करते हैं और रात को एसी सीरियल 8 बजे 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति, अलग 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 रिश्तों की सीरियल, अलग 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 डार्क सीरियल, अलग 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 फेवरेट पिक्चरें 11 बजे 12 बजे 1 बजे। यहां पर 11 बजे सोने वाले कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करो। हाँ 12, कोई बात नहीं, कोई शर्माना नहीं है। 12 बजे तक नींद नहीं आने वाले कितने लोग हैं, 12 बजे तक। जिगर भाई तुमने रात्रि 12 वागे તમે આટલા બધા ગ્રંથોનું વાંચન તમે કરેલું છે, 12 વાગે સુતા પછી પણ ખૂબ ખૂબ અનુભવ બાર વાગી જાય પછી પણ ઊંઘ નથી આવતી એવા કોઈ વ્યક્તિ છે ખરા, આ હાથ ઉપર કરો, આપણે એનું પણ નિદાન કરીશું। ઉભા થઈ જાવ એક વખત પોતાની જગ્યા ઉપર, 12 વાગે પણ ઊંઘ નથી આવતી, ઉભા થઈ જાવ, કોઈ વાંધો નહીં, આજે સોલ્યુશન કરવાનું છે। શું થાય છે શું તમને? હા કેટલા વાગે આવે છે તમને? 1 વાગે। તમને કેટલા વાગે ઊંઘ આવે છે? 1.2, 2 પણ વાગી જાય છે। તો સવારે ઉઠો ક્યારે પછી? પોણા 7 વાગે। તમને કેટલા વાગે ઊંઘ આવે છે? આખી રાત કોને ઊંઘ નથી આવતી? ઊભા થઈ જાઓ પોતાની જગ્યા ઉપર, તમે એકલા છો, કોઈ વાત રેડ કેસમાં છે, કોઈ વાંધો નહીં, બેસી જાઓ। પુરુષમાં 12 વાગે પણ ઊંઘ નથી આવતી, કોણ છે ભાગ્યશાળી, ઊભા થાઓ। કેમ આવું થાય છે તમારી સાથે? એટલે તમને બપોરે સુઈ જાઓ છો માટે રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી, તમને કેમ ઊંઘ નથી આવતી? વિચારમાં એવું, શું વિચારમાં શું? તમારો દીકરો છે, પરિવાર એકદમ સરસ છે કે ડામાડોળ છે સ્થિતિ? આગળ આવજો માઇક અમે જીગરભાઈ, શું પ્રોબ્લેમ શું આવે છે? શું પ્રોબ્લેમ થાય છે તમને? તમારું નામ બોલો પહેલા, ક્યાંથી આવ્યા છો? સાપેલું નવા વાળા થી રોજ આવો છો? ઓહ એકવાર જોરદાર તાળીયા। પંકજભાઈ કેટલા ટાઈમ થી ઊંઘ નથી આવતી? 3 વર્ષથી તમને 12 વાગે આખી આખી રાત નથી આવતી, ઓહ શું પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? કોણ કોણ છે તમારા ફેમિલીમાં? એટલે એકદમ પ્રોપર આખો પરિવાર છે, દીકરો બહુ બધા છે, આર્થિક સ્થિતિ સારી છે, મધ્યમ છે, ખાતે પીતે ચાલે છે, તો પછી શું વિચારો આવે છે? શું વિચાર કહી શકાય એવા છે કે નથી કહી શકાય એવા? પણ તમારો દીકરો તો એકદમ વેલ સેટ છે, જે જેવું છે નહીં, કોઈ વાંધો નહીં, આપણે બધા આ પરિવાર આનંદથી ભરપૂર થઈ જાય એના માટે પ્રાર્થના કરીશું। એકવાર અહીંયા ઊભા થયા એમને આખી પોતાની એનર્જી, પોતાની જીવનની કથા એમણે બતાવી છે, એકવાર જોરદાર તાળી પાડીને સ્વાગત કરીશું। તમારી સાથે અમે છીએ, રોજ અમે તમારી સાથે દુઆ કરીશું, તમારો આખું ફેમિલી ફોટો બધાના નામ તમે અમને લખીને આપજો। દર ગુરુવારે અમે તમારા માટે પ્રેયર કરીશું કે તમને ખૂબ સારી ઊંઘ આવે। બોલો જેને સાસ અને દેવ કી રાખી દો, જીગરભાઈને માઈક આપી દો, યે રિયલ જૈન શાસન હૈ, આપ જો દેખ રહે હો ને બહાર, વો આધા હી હૈ, પૂરા નહીં હૈ।
और ऐसा बोलने का मौका भी नहीं है, ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि जहां पर जाकर के ये सारी बात आप खुल करके बोल भी सकते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं। हाथ ऐसे रखिए, चलो सभी लोग बहुत भावना से। सबसे पहले आप सभी लोगों को पावरफुल नींद आए, क्योंकि आपके नींद नहीं आएगी। जो व्यक्ति अच्छी तरह से सो नहीं सकता है वो कभी भी अच्छी तरह से उठ नहीं सकता है, तो सोना बेहद 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 जरूरी है। मेरे साथ में सभी लोग बुलंद आवाज के साथ में पहली गाथा, और जो जो भी हमारे भाई बहन कमजोर है, मेरे पास परसों संडे के दिन एक कपल आता है, हाथ नीचे रख दो, बहुत 3-4 साल हुए कपल को, उस कपल को, लड़का आईटी के अंदर काम कर रहा है, पत्नी इतनी सुंदर, लेकिन मेरे 4 साल के मैरिज के बाद वो उनकी पत्नी करीबन 1.25 घंटे मेरे ऑफिस में बैठे होंगे, आंखों में से आंसू उसके बंद नहीं होते हैं। वो लड़की की उम्र शायद होगी 25-26 साल, और वो बोलती है कि मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। इनकी बेटी रोज रात को 2 बजे सोती है। ध्यान से समझना, जॉइंट फैमिली। वो इसके लिए आया कि इनकी मम्मी की अचानक डेथ हो गई और घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत बहुत बहुत। दो भाइयों की शादी हो चुकी है, लेकिन सबका अच्छा है, दोनों भाइयों का अच्छा बन रहा है, दोनों पत्नियों जो दोनों देरानी जेठानी है उनका अच्छा बन रहा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम, करीबन उनका टाइम 8 से 9 घंटे किचन में चला जाता है। किचन के अंदर थक पक के वो परेशान होकर के रूम में सोने के लिए जाते हैं, तो बेटी सोती नहीं है। अब आप कल्पना करो कि 2 बजे तक जगना और वो रोज जगना एक पत्नी के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। पति जो है वो मिडिल क्लास है, आईटी में काम करता है, एवरेज 35-40-50 हजार रुपया कमाता है, तो घर को चलाने में भी खींचतान होती है, अच्छी तरह से घर नहीं चल पाता है। और ऐसे ऐसे लोग जब आते हैं रोते हैं तो हमारा दिल भी पिघल जाता है कि क्या करें। और 4 साल के बाद वो बोलती है या तो मुझे छुट्टा छेड़ा लेना है या तो मैं कभी ना कभी सुसाइड करके मर जाऊंगी। जैन घर की रोज अष्टप्रकारी पूजा करने वाली अत्यंत धार्मिक, जिनके घर में साधु साध्वी का इतना आवागमन था, बोले मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 18 साल तक साधु साध्वी भगवंतों को खोबे खोबे ओराया है, लेकिन अब ऐसा मन कर गया है चिंता ही नहीं है। और रोज 2 बजे तक जगना, सुबह में 8 बजे उठना, शरीर केस कितना टूट जाता है। उन सभी, ये मैं आपको हीलिंग इसलिए सिखा रहा हूं, शायद आपके पास सब कुछ है, आपका पुण्य प्रभाव साम्राज्य का आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को आपको अपने पास में बिठाना पड़ेगा, उनका हाथ हाथ में लेना पड़ेगा, उनको गले लगाना पड़ेगा, उनके मस्तक के ऊपर, उनके कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहना पड़ेगा कि बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम का भी इस जगत के अंदर 100% सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कम से कम आपके मामा मामी फुआ फैबा 20-20 लोगों को भी आप सुधार दो। लाइव में जितने भी लोग देख रहे हैं, आप संकल्प लो कि मैं 20 लोगों को भक्ता पर लिंग सिखाऊंगा, ऑटोमेटिक पूरा समाज जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद, बुलंद आवाज से सभी लोग, उन सभी लोगों तक आपकी ऊर्जा, प्रार्थना, नमस्कार, साधना पहुंच रही है। इस भाव से पहली गाथा का पाठ मेरे साथ में बोलना है। तमरा प्रणत बोली मणि बोजो परिवार के सभी लोगों को आप याद कीजिए, आंखें बंद, कमर से डटार, उन सभी लोगों को मैत्री भक्ति स्वभाव स्वस्थता परम आनंद अवस्था की प्राप्ति हो रही है।
भक्तामर प्रणत बोली मणि बोजोदक दलित सम्यक् प्रणम्य चिन पादयो आखिरी बार देखो बहुत सारे लोग हाथ यहाँ पर आ रहे अकेले यहाँ पर गले पर छाती पर और नाभि पर बराबर है फिर से आखिरी बार अमर प्रणत बोली सुनाद भगवान की लिख लो कल आपको सबको कपूर लेकर के आना है शनिवार आज गाथा नंबर 19 हम सीखेंगे हार्दिक भाई सुस्वागतम कल आप सभी की नजर उतारी जाएगी कल में ऐसे पावरफुल आपको मंत्र नजर उतारने के पावरफुल प्रयोग आप लोग जो रक्षा पोटली भी आप लोगों ने पहनी है कि नहीं पहनी है नहीं पहनी है ठीक है मंगा देते आप सभी के लिए रक्षा पोटली दिया कीट में है ना कीट वाली रक्षा पोटली चलो हाथ में लड़ाज मंत्र बोल के आज ही पहन लेते हैं देखो ये रक्षा पोटली भी जो है हर महीने आपको चेंज करना है इनके अंदर पीला सरसों सूरी मंत्र का वासस्केप यहां पर राइट हैंड के अंदर जिमने हाथ में आपको बांधना है हाथ में ले लो सभी लोग कपूर आपको दो तीन गोटी लाना है जो इसे छोटी छोटी गोटियां मिलती है ना आपके माथे के ऊपर सात बार उतार करके एक पावरफुल प्रयोग आपको लग रहा है कहीं पर आपको जकड़पन आ गई है नजर लग जाती है टोक लग जाती है बार 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 जैसे किसी की अच्छी नजर भी होती है उसी प्रकार से पूरी नजर भी चारों तरफ अमाप है ऐसे याद रखो सभी लोग लेफ्ट हाथ नीचे ऊपर चिमड़ा हाथ हाथ ऐसे रखिए आंखें बंद करते हुए एक आपको और सजेशन बताता हूं जिनके पास 2-3 हजार रुपया ऐसे ही बिना काम के आपने बैंक में रखे हैं ये सब पैसा आप आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे नहीं दे रहे कल ही जाकर के आपका जो भी सोने चांदी वाला हो और जितनी भी महिला है आपको लग रहा है कि आपका पति बिना काम का क्रोधी है छोटी बात में इतना बड़ा बतंगर बना देता है या समझने का नाम ही नहीं ले रहा है या तो एक बार बोलने के बाद बंद नहीं होता है तो आपको समझ लेना है कि उनका मून यानी चंद्रमा अनबैलेंस है जिनका चंद्रमा अनबैलेंस होता है वहां पर दो ही चीज होती है या तो वो व्यक्ति बहुत स्लो होता है या तो वो व्यक्ति हार्टलेस उनके हृदय में कोई फीलिंग नाम की चीज ही नहीं होती है और संबंध हमेशा इमोशनल प्रेम से ही होता है एक तरफी कभी प्यार नहीं होता थोड़ा आप करेंगे थोड़ा सामने वाला करेंगे थोड़ा आप करेंगे थोड़ा सामने वाला करेंगे उसी से पूरी जीवन की यात्रा चलती है चांदी के अंदर वो गुण है कि आपके भीतर के अंदर आप सामने वाले को परख सकते हो सामने वाला बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं
कुछ कुछ हमारे पतियों की नेगेटिविटी में आपको बताता हूं, पत्नी इतना प्रेम करती है, इतना केयर करती है, लेकिन कभी उनको महसूस नहीं कर पाते। समय निकल जाता है, पूरी जिंदगी डांटते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनको दबाते रहते हैं। लेकिन मैंने इतना एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ा है उनका मैं आपको सारांश बताता हूं कि प्रत्येक पुरुष का भाग्य, ध्यान से सुनना, और आपने जिंदगी में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास से सुना होगा कि आपकी शादी होगी उसके बाद आपकी बहुत तरक्की होगी। यहां पर भी कितने सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि आपकी शादी के पहले बहुत 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 डाउन थे, लेकिन जैसे ही आपके घर में ऐसी लक्ष्मी आई, कहां से कहां पहुंच गए। बनाए आप में से किसी लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में। तो आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहे, बैलेंस युक्त जीवन जिए, प्रेम का स्वीकार करें और प्रेम को बांटे। हाथ के अंदर एक आपको ऐसा चांदी का कड़ा, ये जैसे मैंने सोने का पहना है, आपको चांदी का कड़ा पहनना है। कल ही परसों जब भी आपको टाइम मिले आप लेकर के आना, मैं उसको मंत्र करके दूंगा, और फिर आप देखना आपकी सोच, आपका विजन, आपकी स्टेमिना, प्रेम करने की ताकत, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट करने की बात अब आप हो जाएंगे। लकी भी चलेगी, कोई ना कोई आभूषण को पहनो, कहने का तात्पर्य इतना ही है मेरा। तो हाथ में रखिए, ऐसे ऐसे रख दीजिए रक्षा पोटली। तो कल के लिए दो चीज, हो सके तो कल ला देना, नहीं तो 13 दिन तक मैं यहां पर ही हूं। पर ये चांदी का एक कड़ा और 2-5 हजार रुपया चांदी का अच्छा कड़ा लाने की नहीं है ताकत। तो ये हमारी तीसरी अंगुली, सभी लोग मुझे दिखाइए तीसरी अंगुली, थर्ड नंबर की फिंगर, सभी लोग नहीं चलेगा ऐसे दिखाओ। यस, ये अंगुली के अंदर, सभी की ये अंगुली के अंदर, चांदी की या सोने की, कोई ना कोई एक अंगूठी तो होनी ही चाहिए। हाथ ऐसे रखिए, रक्षा बोली हाथ में रख लीजिए। ओम नमो हृदय रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। सभी लोग अरस्परस एक दूसरे को बांध दीजिए, आजू बाजू में जिन जिन लोगों के पास में। सभी लोग एक दूसरे को रक्षा पोटली बांध दीजिए। जिनको भी बक्तावर और पुरानी जितनी भी रक्षा पोटली बांधी है वो सब रक्षा पोटली निकाल करके आज शाम को पानी में बहा देना है। ओम नमो हृदय रक्ष रक्ष रूप भट स्वाहा। कल कपूर सभी लोग लेकर के आएंगे, जितने भी लोग हैं जिनको बाकी होगी उनको कल हम रक्षा पोटली दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। गाथा नंबर, कल कितनी गाथा आई थी, 16। ये गाथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट का जितना ज्यादा आप शुद्धिकरण करेंगे, कल किन किन लोगों ने घर में सुखड़ी बनाई थी, हाथ ऊपर करें, सुखड़ी, अद्भुत अद्भुत, खूब सरस। जितना ज्यादा जल्दी फटाफट आप मानोगे उतना ज्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यहां पर सीखने के बाद भी सोचते रहोगे तो समझ लेना। जी करे, यस यस यस। देखो भोजन की व्यवस्था भी, भोजन व्यवस्था में भी हम सब लोगों ने सुखड़ी खाई है, सही बात है एकदम। हाँ, वापरी
पर घर पे हमारे माणिभद्र जी को चढ़ाना था। कोई बात नहीं, आज आपको शाम को खीर बनाना है। क्या बनाना है? जैन धर्म के अंदर आज हम जो भी कर रहे हैं वो चंद्र के प्रयोग कर रहे हैं। जिनके घर में बहुत डिप्रेशन रहता है, चंद्र वीक रहता है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है पति पत्नी की, शुक्र ग्रह जब बलवान होता है, चावल तो आप बना ही रहे हो, थोड़ा सा दूध उगाल लेना, दो दाने इलायची डाल देना, चावल इतने डाल दिए, पद्मावती माता या कुलदेवी माता जो भी है उनके सामने आप रख दीजिए, अर्पण करते करते माता जी की आरती, पद्मावती माता जी की, आपको पता है ये पद्मावती माता की आरती और माता जी की साधना कहां से आई? बहनों को सबसे ज्यादा आराधना पद्मावती माता की क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि हमने 5 बार 1.25 लाख कमल से पद्मावती माता की पूजा की। मैंने बेंगलोर के पास में कृष्णगिरी करके धाम है, यदि आपने नाम सुना हो, पद्मावती माता जी की प्रतिष्ठा वहां पर कराई और वहां पर एक ऐसी पद्मावती माता है, आपने पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा जहां पर 2 आंख वाली पद्मावती है, लेकिन हमने वहां पर प्रतिष्ठा कराई वो पद्मावती माता त्रिनेत्रा 3 आंख वाली पद्मावती माता, और वहां से माता जी का संकेत मिला कि तुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत शासन के बड़े बड़े काम करना है, तो तुझे अहमदाबाद जाके ये साधना करनी है। अब बिलीव नहीं करोगे, 2016 में जब पहली बार मैंने साधना कराई, 10 लाख रुपए का खर्चा था, कमल का, सारी औषधि का, संगीत का। अब 10 लाख मांगे, उस वक्त तो इतना मेरा बड़ा नाम भी नहीं था, कौन मुझे 10 लाख रुपया देंगे? एक व्यक्ति यहाँ पर नारायणपुरा के अंदर रुद्राक्ष की माला 3.5 लाख रुपए की माला लेने के लिए आया था, 114 मुखी रुद्राक्ष की माला। कैसे कैसे माणिभद्र जी पद्मावती माता लोगों को आपके पास भेजते हैं। उन्होंने वहां से माला तो ले ली, अब वो जैन था तो उसके मन में भाव था कि मैं इस माला का अभिमंत्रण विधान कोई जैन पंडित जी के पास में कराऊंगा। उन्होंने गूगल में डाला कि जैन पंडित जी, और सीधा मेरा नाम आता है, मेरी वीडियो आती है। मैंने रुद्राक्ष के ऊपर 14 वीडियो बनाई थी, उसने मेरी वीडियो देखी, इम्प्रेस हो गया वो, और माला लेकर के मेरे पास आता है कि मुझे इसके ऊपर जाप कराना है, अनुष्ठान कराना है। हमने 3 दिन का अनुष्ठान बताया, खर्चा बोला, बोले डन, माला रख करके चला गया। ये पद्मावती माता का संकेत देखो कैसे लोग आए और कैसे अपने नवरंगपुरा के अंदर पहली बार का पूजन 1.25 लाख कमल का कराया। 3 दिन इतनी शिद्दत से उसकी माला की हमने पूजा की, 4th दिन में यहाँ पर संतोषा जो एसी हाईवे पर है वहां पर उसका बंगला था, माला लेकर घर पे गया। काफी समय से उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा कंटेनर का काम अटका हुआ था, यदि वो नहीं होता तो उसको 80 लाख रुपए का नुकसान होता। काग को बैठना, डाल को पढ़ना, वो भी आप कह सकते हो, या हमारी सच्ची प्रार्थना भी कह सकते हो। माला लेकर के जाता है, 7 दिन और प्रोसेस करता है, रोज सुबह माला पहन करके मंत्र जाप करता है, और 8वें दिन आता है हमारे पास कि गुरुजी काम हो गया। बोला हो गया तो क्या काम हो गया, बताओ तो सही। उसने भी बताया नहीं था कि मेरे 80 लाख रुपया अटके हुए हैं और ये माला आपके साथ जुड़ना, बात करना, बहुत इंप्रेस हो गया। हिमांशु भाई उसका नाम था, बोला अब मुझे एक सुकृत करना है। उस वक्त कैसे कैसे कोई आइडिया ही नहीं था कि 10 लाख भी होगा। बोला हमारे मन में एक ऐसी इच्छा है कि एक बार पद्मावती माता को 1.25 लाख कमर चढ़ाना है। बोले कितना खर्चा आएगा? हमने बोला 2-5 लाख रुपया आ जाएगा। बोले ठीक है आप करो,
जैसे जैसे हमने अनुष्ठान चालू किया, दिवाली के दिन आ गए, कमल जिसके पास हमने नक्की किया था उसने भाव बढ़ा दिया, बोले मेरे पास आगे से कमल नहीं आ रहे इसके लिए हम आपको भी नहीं दे सकते। 5 लाख में हमने उसके साथ पूजा नक्की की, वो पूजा पहुंच गई करीबन 9.5-10 लाख रुपया। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, उन्होंने हमें जो बंद कवर के अंदर पैसा दिया था उसके अंदर 11 लाख रुपया उसने रखा हुआ था। और उसकी पूर्णावधि हमने कहा कि नवरंगपुरा के अंदर हमने हवन किया और सिटी के अंदर वीर विजय महाराज जी का उपास रहे, कोई सिटी का हो याद है आपको, भट्टी की बारी। अब माताजी ने हमको संकेत दिया कि पूजा तो यहाँ पर हुई है लेकिन पूर्णावधि वो भट्टी की बारी की जो विशेषता है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर साक्षात माताजी का आगमन है। और संजय भाई पाइप वाले जो है उन्होंने मुझे अपने मुख से बताया है कि उसकी पाट के ऊपर बैठ करके जो प्रवचन देते हैं अभी तक परम 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 विद्यमान वो बन चुके हैं, वो पाठ का प्रभाव। अब माता जी ने बोला कि आखिरी मेरी पूजा उधर करनी है और पूजन में हवन करना है, क्या करना है। हमने बोला कि ट्रस्टी लोगों को बोला, बोले हवन अलाउड नहीं है इधर, आज तक वहां पर कभी भी हवन नहीं हुआ है। बापा सब माता जी के पास आए कि वहां से हमें परमिशन नहीं मिल रही। आज शुक्रवार है इसके लिए मैं माता जी की कहानी और माता जी के जीवंत प्रभाव आपको बता रहा हूं। बोले वापस जाओ, वही व्यक्ति वही रजुआत, वापस हमारी विनंती। और आप मानोगे नहीं, सामने वाला बोलता है कि आपको माता जी के लिए जो भी करना है वो आप कर सकते हो। समझ रहे हो क्या क्या होता है हमारे साथ में। और मैं कोई ऐसा कोई फरिश्ता या मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, आप सच्चे मन से जो जो भी सोचोगे दूसरों के लिए सोचोगे, मैं ऐसा सोचूंगा कि ये सारे पैसे मेरे पास रखो, मेरा फार्म हाउस बनाऊ, मैं हेलीकॉप्टर लाऊ, वो नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई मुझे पैसा दे रहा है और मेरा भाव है कि आप सभी लोग खुश हो, और आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर हमने आखिरी अनुष्ठान किया, 6 घंटे तक हमने 1250 आहुति दी, उसके फोटोग्राफ्स मेरे जैन अनुष्ठान पे पड़े हुए। ऐसा पूरा वातावरण, ऐसी जबरदस्त साधना और ऐसा साक्षात्कार, करीबन 35 से 40 लोग वहां पर विद्यमान थे, सभी लोगों ने वहां पर माता जी की हाजिरी का दर्शन किया। ये प्रभाव पद्मावती माता जी का है। गाथा नंबर 17, तो आप भी कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी साधना कर सकते हो और आपको भी सिद्धि मिल सकती है। वैतांड्य पर्वत के ऊपर श्रेणिक राजा और चरणा देवी साक्षात भगवान महावीर स्वामी जी के पास गए और भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान हम जैन हैं, हम क्या साधना करें। तो उस वक्त परमात्मा महावीर स्वामी जी ने बताया, प्रत्येक श्राविका को, हर महिला को शुक्रवार की व्रत कथा करनी चाहिए। शुक्रवार की व्रत कथा मतलब, बहुत सारे महिला इसमें है कोई कि जिन्होंने जिंदगी में कभी वैभव लक्ष्मी का व्रत किया हो, हाथ ऊपर करो। आपने भी किया वैभव लक्ष्मी का, किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे आपको ये बात बतानी है, आपने जिस भाव से किया, आपको पता होगा या नहीं पता होगा वो बात की बात है, हमारे धर्म के अंदर पद्मावती माता की ये पूरा व्रत, मैं साध्वी जी भगवान को भी विनती करना चाहूंगा कि आप लोग, आप खुद देख रहे हो कितने सारे लोग यहाँ पर हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनको जब आप पद्मावती माता, शासन देवी माता, अंबिका देवी का महिमा ही नहीं बताओगे वो कहाँ जाएंगे।
कोई ब्राह्मण के पास, कोई कथाकथित जानकार के पास, ये तो वैभव लक्ष्मी का कर रहे, कितने सारे लोगों को, कोई मुस्लिम का भी बोल देंगे, वहां पर जाना स्टार्ट कर देंगे। परमात्मा ने अपने आगमों के अंदर पधारो गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, सब खड़े हो जाइए एक मिनट के लिए। बैठ जाइए सभी लोग। वैभवगिरी पर्वत के ऊपर माता चेलड़ा देवी भगवान हमें क्या करना चाहिए, और उस वक्त अखंड सौभाग्य के लिए हर शनि हर शुक्रवार को सभी बहनों को एकाशना की आराधना, और इसकी पुष्टि वंदिता सूत्र के अंदर की है। देवी देवताओं को भगवान नहीं मानना है, डॉक्टर को हम कोई भगवान नहीं मानते, लेकिन बीमार पड़ेंगे तो जाना उन्हीं के पास है। इसीलिए हर शुक्रवार को एकाशना करो, पद्मावती माता की पूजा करो, लाल पुष्प लाल माड़ा सम्मदिठी देवा दिन्तु समाहिम च बोहिम च। मैं आपके घर पे आऊंगा तो आपको मुझे खाना खिलाओगे, कपाल में तिलक करोगे, आपकी शक्ति 11 रुपये की होगी तो 11 दोगे, कोई सोने की चेन देगा, चांदी का सिक्का देगा। परमात्मा के 24 तीर्थंकर भगवान के जितने भी अधिष्ठायक देव और देवी है, ध्यान से समझ लेना, वो नियमा सम्यक दृष्टि है। कौन है तो हमें सम्यक दर्शन चाहिए, तो उनके प्रति सद्भाव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए कि दुर्भाव रखना चाहिए। और इसीलिए सम्मदिठी देवा दिन्तु समाहिं च बोहिं च। आइए पेट के ऊपर हाथ घुमाइए सभी लोग। मैंने वायु के लिए एक मुद्रा बताई थी, कौन सी मुद्रा थी बता करो, आप करके दिखाओ। स्वाति बहन कौन सी मुद्रा थी वायु के लिए, जिनको बहुत सारा गैस है, जिनको विचार वायु है, पेट के अंदर गोले हो जाते हैं, ऐसे हाथ कीजिए। पहली अंगुली, लास्ट वाली नहीं, फर्स्ट फिंगर, पाचड़ तमाई आपको। यस सागर भाई, लाल ड्रेस वाला बहन ने बताओ। यस या डीचर के ऊपर हाथ रखते हुए, नमो रसिदाचार्योपाध्याय। ये दो गाथाओं के अंदर नवग्रह शांति राहु का नाम आता है, ऐसे हाथ रखो नीचे नीचे के ऊपर। राहु हमेशा भ्रमित करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना नॉलेज था कि मुझे मेरे भाई के साथ झगड़ा नहीं करना है, और झगड़ा हो इसके लिए वो पूरे अयोध्या को छोड़ करके जंगल के अंदर चले जाते हैं, फिर भी जंगल में जाकर के उनके मन के अंदर, कल्पना के अंदर या विचारों के अंदर या कर्म के संयोग से उनको हिरण कैसा दिखता है, सोनानु हरण। यस समझ में आ रहा है सबको,
राहु हमेशा भ्रमित करता है। अभी जितने भी मेष राशि के जातक है, अल ई जिसका नाम अल ई से ऊपर है, उनको बहुत ख्याल रखना है। जो शेयर बाजार का काम करते हैं, जो बड़े बड़ी डील करते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि रातों रात पैसा डबल, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना, जगत के अंदर इजी वे नाम की कोई चीज नहीं है। हर चीज एक प्रोसेस के बाद ही निर्माण होती है। आप दही को भी जमाएंगे, दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया, हर 2 मिनट में, हर 1 घंटे में देखेंगे तो दही बन जाएगा। आपने डाल दिया है तो 3 घंटे 6 घंटे या पूरी रात आपको रखना है, तब आपको जाकर के सुबह में वो अद्भुत दही का निर्माण देखने को मिलेगा। हाथ ऐसे रखिए। ऐसी महामंगलकारी गाथा, जिनको किडनी की, जठर की, जो लोग बाहर का बहुत खाते, तला गुला बहुत खाते, आंतों में प्रॉब्लम से, आंतों में अल्सर है, जठर की पीड़ा, और आखिरी के अंदर बताया है सर्व पीड़ा, प्रभु की भक्ति करते से दूर हो जाती है। नस्तम कदाचिदुपयासी न राहु गम्य स्पष्टि करोषि सहसा युगवच गन्ति नामोदरोदर निरोतम सूर्यादि साई महिमा सिमुनि ऐसे याद कीजिए। समन्वय मुद्रा पेट के ऊपर घुमाइए, आंखें बंद, मेरा पेट पूर्ण रूप से निर्मल हो रहा है, मेरा पेट पूर्ण रूप से पवित्र हो रहा है। और जो जो लोगों के लिए आपने एक लघुता ग्रंथि कि ये व्यक्ति खराब ही है, ये व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया है, ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, उस सारी लघुता ग्रंथि, मौका आएगा तब इसको मैं बता के दिखाऊंगा कि मैं भी कौन हूं। और इसी के कारण हमारे पेट की आते जो है वो कमजोर होती है। ओम रीम अरहम नमो अटंगमा निमित्त कुशलम ओम नमो नमीण अड्डे मड्डे शूद्र विघटने शूद्र पीड़ा मध्य मध्य सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण गुरु गुरु रात को सोने की बात तो अपन ने कर लिया, सुबह में कितने बजे आप उठते हो? आज मैं आपको एक बहुत पावरफुल टेक्निक सिखाता हूं, पूरे घर का कैसे हीलिंग हो, घर की एक चीज ऊर्जावान कैसी हो। 6 बजे कितने लोग उठ जाते? 6 बजे एवरेज, 7 बजे ओके, एवरेज टाइम सभी का 6 और 7 के बीच का है। अब आप लिख लो कैसे, आप पहले तो आज के बाद आप लिख लीजिए, जिनका घर 5 साल से भी ज्यादा, इसमें इतने ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके घर के अंदर कलर निकल गया है, हाथ ऊपर करो, कलर भी निकल गया, बहुत लंबे समय से आपने फर्नीचर भी कराया नहीं है, नीचे रख दीजिए, कोई बात नहीं, आप सच्चे ही बोल रहे हो, इसके लिए अभी आपके जीवन में बदलाव शक्य है। हर 5 साल के अंदर या तो ज्यादा से ज्यादा 8 साल के अंदर, और वास्तुशास्त्र तो कहता है कि हर महीने आपके घर की जो सिचुएशन है, थोड़ा सा सोफा इधर उधर करना है, थोड़े से बैठने की व्यवस्था इधर उधर करनी है, और ये बार बार चेंजेस 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 जब आप करते हो
तो ऊर्जा का परिभ्रमण होता है और शुद्धिकरण होता है। हम वास्तु देखने के लिए लोगों के घर में जाते हैं, वहां पर उनका किचन देखते हैं, इतने चिकने चिकने बर्तन, कितने सारे जैन परिवार ऐसे हैं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, धर्म की बात तो छोड़ दो, लेकिन रात को बर्तन भी कितने सारे घरों में धोते नहीं हैं। यस और यस। सुबह में साथ में हमारा सूक्ष्म विज्ञान ये कहता है, पूरी रात में कितने सारे जीव उत्पत्ति, और कैंसर उसी घर में होता है जिस घर में हिंसा का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। यहां पर इतने सारे लोग हैं, सच्ची सच्ची बता रहा, आपके घर में जितने भी नल हैं, सभी नलों के ऊपर गरणी, सु बोले रहे कोथड़ी, कोथड़ी सभी नलों के ऊपर 100% कोथली हो, ऐसा घर किनका है? हाथ ऊपर, सारे सारे के सारे, खूब सरस, 50% लोग हैं। हमें और बड़े बड़े धर्म कर लो तो समझ लेना आपका मोक्ष नक्की ही है, लेकिन बड़े धर्म नहीं कर सको तो यहां से सीधा धरणीधर जाना और 20 रुपए की कोथली का पूरा पैकेट मिलेगा। पहला काम जीवदया का करो। जीवदया का जब तक आपका परिणाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। किचन देखो तो इतने चिकड़े चिकड़े हो गए, बर्तन देखो तो इतने चिकड़े चिकड़े हो गए, उससे आपके स्वभाव में चिकास आती है। हमारे यहां तो सब्जी भी सुधारते हैं। पता है सब्जी सुधारने की विधि कैसे सुधारते सब्जी? हाँ, करो जो करा, सभी महिलाओं को मैं सजेस्ट करूंगा, दवाइयां बंद करना चाहते हो तो एक बार एक पुस्तक जरूर पढ़ना, हेमरत्न सूरी महाराज जी की है, रिसर्च ऑफ डाइनिंग टेबल, पढ़िए पढ़िए, बहुत अनुमोदन। और मैंने मेरे जीवन में कितने सारे मैगजीन के अंदर आर्टिकल लिखे, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और आप आनंदित हो जाएंगे। हमारी ये शिविर जो होने वाली है, ये जो चल रही है, ये शिविर का आर्टिकल करीबन 50 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर वालों ने छापा है। यह है अद्भुत जैन शासन की यशोगाथा। सारे गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर, अकीला, राजकोट का बहुत बड़ा पेपर, सब लोग देख रहे, सब लोग जान रहे, सब लोग सुन रहे। इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी साधना जैन अनुष्ठान के माध्यम से हो रही है। तो जीवदया का परिणाम जिनके भीतर में घूट घूट से भरा है, तो हर 5-6 साल में, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर वास्तु का जबरदस्त प्रभाव है। वास्तु जब तक ठीक नहीं होगा, आप मानो या ना मानो, समझ लो, आप ऐसा बोलो कि नहीं मैं सूर्य को नहीं मानता हूं, तो आपको गर्मी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी? वो गर्मी होने के बाद गर्मी को सहन करने का आपके माइंड को तैयार कर सकते हो, लेकिन सूर्य को मानने नहीं मानने से सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीवन हमारा 3 चीजों से चलता है। पहले नंबर के अंदर एस्ट्रोलॉजी, आप किस समय पैदा हुए हैं, दुनिया में ऐसे कितने सारे 30 मार्का है कि जिनका दिमाग इतना पावरफुल है लेकिन पुण्य नहीं है। ध्यान से सुनना, दिमाग पावरफुल वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। किस कौन आगे बढ़ सकता है?
बीजेपी के अंदर दो व्यक्ति का मैं आपको दृष्टांत बताता हूं। लाल कृष्ण अडवाणी का दिमाग कैसा था? कितने साल की उनके पास राजनीति का एक्सपीरियंस था, अनुभव? शायद मैं भूलता नहीं हो तो गुजरात से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी को लेके जाने वाला भी कौन था? जोर से बोलो, कौन था? लेकिन जब चुनाव आया, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक्सपीरियंस भी लाल कृष्ण अडवाणी के पास ज्यादा, पावर भी ज्यादा, लेकिन कम क्या है? पुण्य। पुण्य कम होने के कारण बाजी गुड़ु 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 करके ऐसी चेंज हुई। सारा एक्सपीरियंस, सारे ज्ञान धीरे 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 तक ऐसे पीछे चले गए। पुण्य प्रबल था। एक ओंकार लगाई और नरेंद्र मोदी कौन बन गया? देख रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूं? एक ही चीज के ऊपर पावरफुल कौन दिमाग लगाओ और उसी का नाम पुण्य है। बहुत सारे बुद्धिजीवी है, आप में से भी इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे ऐसे आइडिया से। अभी मैं शांतिवन में एक ट्रस्टी के घर में वास्तु देखने के लिए गया, बहुत शानदार उसका बंगला था, लेकिन मजा नहीं आ रही थी। बंगला देखा और उसने मुझे उनके जो विजन की बात दी, बोले मेरा ये बिजनेस इतना पावरफुल है कि हर साल 10,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को मिल सकता है और ये पूरा जैन शासन अपना ले तो 1-1 करोड़ रुपया जैन शासन के प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकता है। कागज के ऊपर वो सारे आंकड़े दिखाए, सब सही लगे और एक समय के अंदर उनका ऐसा बुलंद सितारा पूरा पालड़ी शांतिवन सब जगह के ऊपर। स्वयं ने करोड़ों रुपए का दान दिया, लेकिन पुण्य आज धीरे 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 ऐसा नीचे आ गया, परिस्थिति ऐसी गुजर गई, आज उसका बेटा भी उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। तो अबे क्या बढ़ाना चाहिए? जोर से बोलो, क्या बढ़ाना चाहिए? और पुण्य बढ़ाने के लिए महामंगलकारी भक्तावर स्तोत्र की साधना, गाथा नंबर 18। और अभी दो ही चीज की साधना करो, जितने भी आपके आसपास में लोग मिले, हम लोग, हमारे पास कोई भी व्यक्ति हमारी बात चले, तीन चीज जरूरी है। पहले नंबर में एस्ट्रोलॉजी, दूसरे नंबर के अंदर वास्तु, कहां पर आप बैठते हो, कहां पर आप सोते हो, कहां पर आप खाना बना रहे हो, आप चेक करो कि आपके घर में शांति क्यों नहीं आ रही है। गलत फेसिंग के अंदर आप खाना बनाओगे, वो खाना भोजन अमृत नहीं विष बन जाएगा। पहले दिन मैंने आपको सिखाया था कि पानी के मटके ऊपर ऐसे हाथ रखकर आपको क्या बोलना है, याद करते हो? भूल गए? मेरे घर का पानी अमृत है। आज दूसरी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं। जैसे ही 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे खाना बन जाए, आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रामबाण इलाज। डाइनिंग टेबल के ऊपर पूरा खाना आपने रख दिया है, दोनों हाथ ऐसे रखिए, भक्तामर सोद्र की जो भी आपको गाथा आती है, 144 गाथा के अंदर एक भी गाथा नहीं आती, ऐसे कौन है हाथ ऊपर करो, एक भी गाथा नहीं आती है आपको? नहीं आती है, नीचे रख दो। 13 दिन तक मैं आपको इतनी सारी चीज दे रहा हूं और गुरु दक्षिणा में आपको मुझे एक ही चीज देनी है कि आने वाले 3 महीने में कम से कम आपको एक गाथा पक्की करनी है। बराबर है? आया ना? एक गाथा 44 में से जो भी आपको पसंद आए, हाथ ऐसे रख दिया आपने, खाना सामने पड़ा है, रोटी सब्जी दाल चावल फल फ्रूट मिठाई जो भी है, फिर हाथ ऐसे रखना है।
ये मुद्रा सीख लो, सब करो थोड़ी देर के लिए। ये नॉर्मल हाथ है, देखो ये पिरामिड मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ये ऐसे आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा। देखो ये पिरामिड है पूरा, लग रहा है आपको? हाथ आपने ऐसे रख दिए, आंखें बंद। अभी आप लोग, आपके घर में जितने भी गेहूं है, जितना भी आटा है, जितना भी मरी मसाला है, उन सभी को देखिए। जो भी अनाज है, जो भी दवाइयां है, उनको अनुभव करें, उनको हील करना है। और एक ही प्रार्थना, एक ही सीधा सेंटेंस, जिसे अभी आज का भोजन आपको यहां करना है, लेकिन जब भी आप 10 बजे 10:30 बजे घर में खाना बन जाता है, टिफिन तैयार कर देते हो, तब आपको 3 बार यही बोलना है कि मेरे घर का भोजन, बोलिए सभी लोग, प्रसाद बन चुका है। नाभि में से बोलिए बुलंद आवाज के साथ में, मेरे घर का भोजन प्रसाद बन चुका है, मेरे घर का भोजन प्रसाद बन चुका है। धीरे से आंखें खोलिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मंदिरों के अंदर कोई कान्हा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी मंदिर से बाहर निकलता है तब क्या करता है? ऐसे हाथ लेता है, उसको 2-4 शक्कर, ये 2-4 लड्डू की छोटी छोटी टुकड़ी वो खरीद नहीं सकता है या खरीद सकता है? फिर भी उनको पता है कि भगवान के पास रखी गई चीज प्रसाद बन जाती है। और इसीलिए श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा गया है कि पहली थाली, हमारे घर की पहली थाली कहां पर जाती है? हाँ, प्रभु के दरबार के अंदर, साधु साधु जी भगवान की व्यावच के अंदर, साधर्मिक की भक्ति के अंदर, अनुकंपा के अंदर, परंपरा धीरे 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 टूटती गई। और आज भी कितने सारे ऐसे हमारे जैन घर हैं कि जिनके घर में पहली रोटी किसकी बनती है? बनाते हो सब लोग? क्योंकि हमारे रोम रोम के अंदर जीवदया के जबरदस्त कोटि के संस्कार है। तो पहले नंबर के अंदर एस्ट्रोलॉजी, जब हमारा जन्म हुआ, भगवान के माता पिता भी कुंडलियां बनाते हैं, राज दरबार के अंदर राज ज्योतिष को रखते हैं। दूसरे नंबर में घर को अच्छा बना दीजिए, उसका दूसरा नियम लिख लो, जितने भी बंद चार्जर है आपके जीवन के अंदर लग्जूरियसनेस क्यों नहीं आती है? आज शुक्रवार है, हमेशा कोशिश करो कि आपका जो एक बॉल पेन है, क्या बॉल पेन लाओ तो गुरु जी, सभी लोग पेन हाथ में रखिए, बॉल पेन। ये शुक्र का पहाड़ है, ये जो है ऊंचा अंगूठा के नीचे आप देख रहे हो। आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर ऐश्वर्य बढ़े, रोज आपको यहां पर लिखना है 24 नंबर्स। कौन सा नंबर लिखना है? 24 नंबर। सभी लोग लिखिए, 6 का जो अंक है, हाँ, लेफ्ट हाथ में लिखना है। यूनिवर्स के 2 नंबर इतने पावरफुल है, एक है 369, जिनकी खुद की ऑफिस है और आप चाहते हो कि उसमें जबरदस्त बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो, तो ये जो पीछे का बाप, जैसे मेरी ये, मैं यहां से बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरी कुर्सी है, तो मेरे जहां पर ये पीछे का भाग आता है,
वहां पर भी आपको 24 लिखना है। जैनिज्म के हिसाब से 24 तीर्थंकर भगवंत की कृपा बरसती रहे और यूनिवर्स का जो एकदम पावरफुल नंबर है ग्रोथ के लिए वो नंबर है 24। और 24 का आप टोटल करते हो तो नंबर होता है 6 और 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है। शुक्र जब तक बलवान नहीं होगा तब तक आपके पास ऐश्वर्य नहीं आएगा। ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अमाप धन के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े बड़े बंगले के लिए, कौन कौन लोग फ्लैट में रहते हैं हाथ ऊपर करो, फ्लैट के अंदर नीचे रख दो, किन किन लोगों का बंगला है वो हाथ ऊपर करो, बंगला हो 3 लोग और कोई आपका बंगला है, बंगला है, बंगला है, नीचे हाथ रख दो। आज आप सभी को संकल्प करना है हम सभी लोगों को बंगले में जाना है या तो 3 BHK वाला मकान लेना है। फिर से बोलो क्या करना है, पूछो क्यों, हाँ बस आपने आपड़ूज विचारीशु। कल्प सूत्र एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। मैं से कितने बंबई के श्रावकों को जानता हूं कि जिन्होंने एक एक दो दो मकान, एक एक दो दो कमरे ऐसे गुरुदेवों की पावन पधरामणी के लिए रखे गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतना कुच्चे जैसा छोटा सा मकान होगा तो कैसे आप गुरुदेव को बस्ती देंगे। कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर बताया कि श्रावक का सद्भाग्य तब ही है एक रात ऐसे साधु भगवान, ऐसे साध्वीजी भगवान आपके घर में रहेंगे तो आपके बच्चों के साथ कुछ कनेक्शन बनेगा। मैक्सिमम लोगों के बच्चे आजकल उपाश्रय केंद्र आना बंद कर दिया है। रिवर्स प्रोग्राम, दो ही चीजें, या तो उनको यहां पर सदगुरुओं के पास लेके आइए और वो नहीं आ रहे तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ी जगह तो चाहिए। अब आप सोचेंगे मेरा एक रूम का घर है बहुत है, 2 बेडरूम तो बहुत है, पर आप गुरु महाराज को लाओगे, रखोगे, जिनवाणी का श्रवण कराओगे, अपने बच्चों से कुछ परिचय कराओगे तभी प्यार बढ़ेगा, तभी वो जैनत्व को समझेगा। इसीलिए पैसा कमाना है। मेरे कॉन्सेप्ट को बराबर ध्यान से समझ लेना। पैसा क्यों कमाना है, बड़े से बड़े बंगले क्यों होने चाहिए, अष्ट प्रकारी पूजन के अंदर सोने चांदी का सामान। मेरे चंद्रशेखर महाशय गुरुदेव कहते थे कि जब भी पूजा करो तो आपका जो बटवा है हर चीज के अंदर आपने बढ़ोतरी कर दी। पहले में से दूसरे में, टेंथ में, कॉलेज में, सब जगह पे आ गए। रोज कौन कौन लोग पूजा करते हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया, पूजा हम रोज कर रहे हैं। 5 साल से रोज पूजा कौन कर रहे हैं, 5 साल, नीचे रख दो। मैं आपकी कॉमन पैटर्न बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग 5 साल से 10 साल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछा जाए तो वही चीज, वही बटवा, वही चपटी चोखा, वही एक शक्कर का टुकड़ा और वही एक बादाम। कभी कोई पंचतिथि आ गई या घर में केरी आ गई या कभी मन करा तो एक आध छोटा सा टुकड़ा मिठाई का और एक आध छोटा सा टुकड़ा फल का, इससे आगे कुछ। मैंने ऐसे ऐसे भगतों को देखा है, इतना बड़ा सफरजन लेगा और पूरे सफरजन को सोने से, बरक से मढ़ देगा। वो कब करोगे, कब करोगे, या यहां पर कोई व्यक्ति ने किया है, किसी ने नहीं किया, देखा नहीं है। करने की बात तो जाने दो, पुण्य का संयोग होता है
तब ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हमारे गुरुदेव एक बार सभी सहायक को समझा रहे थे, सहायक लोग जो हमारे साथ क्रिया में आते हैं ना, उसमें दो चार लोग बोलते हैं क्या सहायक का काम करना, 500,000 रुपया मिलता है। और उन्होंने बहुत लॉजिकल से बताया कि जगत में सबसे बड़ा धर्म कोई है तो सहायक का धर्म। कैसे? ये पूजा कराने वाला तो 25,000-50,000 देकर छूट जाएगा, लेकिन रोज भगवान से सबसे करीब रहना, उत्तम से उत्तम रोज फल फ्रूट भगवान के लिए सजाना, अच्छे फल और फ्रूट को देखना मिल जाए, वो भी आंखों का पुण्य चाहिए। और उससे बड़ी बात सहायकों के लिए, एवरीडे जितने भी दिन पूजन हो उतने दिन गरम गरम माल, मलिदा, मिठाई, फरसाण, खाने का भी सुख सबसे पहले किसको मिलता है, समझ रहे हो? तमा भाई 12 महीने मिठाई मड़े करे, जैसा ही पूजन हो, पूजन खत्म करके जैसे ही नीचे जाओ, आओ सा पधारो सा, भोजन नो लाभ आपसो जा, पुण्य को बढ़ाइए, पत्रिका दिखाओ, अच्छे गुरुओं को पत्रिका दिखा करके एनालिसिस कराइए। सेकंड नंबर के अंदर घर का वास्तु शुद्ध करें, उसका एक चीज मैं आपको आज बता देता हूं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर लिख लो सभी लोग, ईशान कोण के अंदर कभी भी टॉयलेट, बाथरूम या हेवी वेट, जिनको बहुत माइग्रेन रहता है, जिनको मस्तक की बीमारियां रहती है, ईशान कोण में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर जिनको जीवन में बहुत भारी भरकम टेंशन है, उनको एक काम करना है। देखो आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, सब लोग टेंशन में आ जाओगे। शत्रुंजय महातीर्थ का फोटो किन किन लोगों के घरों में, हाथ ऊपर करो, नीचे रख दो, लगभग सबके घर में है, उनको कहां पर रखना चाहिए? बोलो, उत्तर दिशा में, ड्राइंग रूम में, बताइए और कोई। पहले तो आज घर जाकर के जितने भी घर में फोटो फोटा पूरे घर में लगाए हैं वो निकाल दीजिए। हर दिशा की एक एनर्जी एक होती है, घर में नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट, पूर्व दिशा, ईशान खूणा या उत्तर दिशा, आपके घर में जहां पर आ रही है वहां पर आप अच्छी तरह से एक बढ़िया मंदिर बनाइए और सारी चीजें वहां पर प्रॉपर विधि विधान के साथ स्थापन करें। ड्रॉइंग रूम में किसी का फोटो नहीं होना चाहिए, किसी का, समझ रहे हो आप? घर में जहां पर भी आपने मंदिर बनाया है वहां पर गुरु का, धर्म का, भक्ति का, मैत्री का, एक जगह के ऊपर वो सारी चीज आप रख दीजिए। और कभी भी साउथ के अलावा, दक्षिण दिशा के अलावा कोई भी दिशा में शत्रुंजय महातीर्थ का फोटो आपको शुभ फल नहीं देता है। पूछो क्यों? मैं जो भी आपको बताऊंगा वो 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोगों के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है। और दूसरे नंबर के अंदर जिनके पूरे घर में, इसने यहां पर कोई महाराज साहब का फोटो लगा दिया, यहां पर गुरु महाराज का लगा दिया, कोई कैलेंडर लगा दिया, ये फोटो नहीं है, ये जीवित एनर्जी है। आप भगवान की तस्वीर लगा रहे हो मतलब ये साक्षात भगवान है,
या तस्वीर मानते हो भाई, पहले भगत से नक्की करो, आप साक्षात शत्रुंजय का फोटो मानते हो तो उनको शत्रुंजय मानते हो या मानते हो ये 50 रुपए की तस्वीर है, क्या मान रहे हो? तो साक्षात भगवान की आसाधना जैसे मंदिर में कर रहे हो और उनके सामने गाली गलौज नीचा बोलना कोई भी गलत काम करना वो वही है जो सारी नेगेटिव एनर्जी। घर के अंदर हमेशा हेवी वेट शत्रुंजय महातीर्थ यानी एक पहाड़ है। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? तो हमेशा हेवी वेट साउथ के अलावा कोई भी दिशा में नहीं चलता है। उत्तर में रखोगे तो अच्छी अच्छी चीज आना बंद हो जाएगी, वेस्ट में रखोगे तो ग्रोथ नहीं होगा, पूर्व में आप रखोगे तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कट हो जाएगा। हमेशा बोलने लग जाओगे तो हमने बहुत धर्म किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और कितने सारे हजारों लोग ये ओपनली बोलते हैं कि तूने इतना धर्म किया क्या मिला तुझे, बोलते हैं सब लोग। हम सही को जानते नहीं है और दुकानों में से लेकर आकर के रख देते हैं। तो आज आपको घर में जाकर के शानदार बड़ा छोटा जैसा भी आपको अच्छा लगे, वास्तु शास्त्र के हिसाब से मंदिर में इतना सुकून क्यों मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो किया है। कोई भी आपको मंदिर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, वहां मंदिर में तो वहां तक बात बताइए कि भगवान की दृष्टि भी बाहर निकलनी चाहिए। तो घर के मंदिर को नियम को जानिए। साउथ के अंदर दक्षिण दिशा में शत्रुंजय का फोटो रखना है, उत्तर में पूर्व में या ईशान में बढ़िया सा आपको मंदिर बनाना है। और जितनी कम हो सके या तो जितनी चीज आप ला रहे हो उनकी 15 दिन में महीने में एक बार छोटी सी पूजा पाठ जाप आराधना साधना करनी है। आइए गाथा नंबर 18। तीन चीजें एस्ट्रोलॉजी वास्तु और उसके ऊपर भी बात आती है जबरदस्त कोटि का कर्म पुण्य का काम है आपके सामने 32 रात के भगवान को हाजिर करना, लेकिन उसको खाने के लिए हाथ तो मुझे भी यहां से कोला लेना पड़ेगा और मुंह तक रखना पड़ेगा। कर्म पुरुषार्थ एक समय के अंदर ऐसा बताया गया है कि 1 मिनट के अंदर ऑल ओवर भारत के अंदर सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं। कोई नरेंद्र मोदी बनता है, कोई नरेंद्र नाम का दूध वाला बनता है, कोई नरेंद्र नाम के थर्ड व्यक्ति बनता है। जितना ज्यादा प्रारब्ध पुरुषार्थ पुण्य के साथ आप करते हो अवश्य में आपको सिद्धि मिल जाती है। गाथा नंबर 18 खास मम्मियों को एक करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे बच्चे इतने सारे सवाल पूछते धर्म के लिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हमको पता नहीं होने के कारण हम चुप हो जाते हैं। और हमारे मन में भी लगभग 99% लोगों तो मुझे आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। आपको कल का मैं चमत्कार बताऊंगा, आपकी जमीन के नीचे से पेड़ के नीचे जमीन मिल जाएगी। संकल्प की क्या ताकत है, कल गुरुवार था, आप सभी लोगों ने संकल्प किया होगा, मैंने भी संकल्प किया कि मैं इतना दिल से ये 13 दिन की शिविर करा रहा हूँ, प्रभु यदि मैं सच्चे मन से करा रहा हूँ तो इसका व्याप्त पूरे विश्व पे फैलना चाहिए और नए नए लोग जुड़ने चाहिए। कल एक व्यक्ति का फोन आता है और सामने से विनंती करता है, गुरुजी आप बम्बई आइए, 13 दिन की सारी शिविर का जितना भी खर्चा हो करने के लिए मैं तैयार हूं। कल की प्रार्थना, कल 1 बजे हम लोगों ने प्रार्थना की और रात को करीबन 6 से 7 बजे जितना भी खर्चा होगा, मैंने उनको यही बोला कि आकाश में बोल दीजिए भगवान को, जगह भी मिल जाएगी और सारी व्यवस्था भी हो जाएगी। आखिरी बात,
यहाँ पर हमारे अंबा जी के भी बेटे हैं, इनकी भी भावना है बहुत जल्दी वैशाख महीने के अंदर अंबा जी के अंदर भी इनकी भावधारा से एक दिन का शिविर वो पूरी तरह से आयोजन करने वाले। लंदन से कौन आए? लंदन से, लंदन वाले आज नहीं आए हैं, दो दिन से वो बेन आ रहे हैं और कल ही उन्होंने हमारे स्टाफ को बोला है गुरुदेव आगामी हमारी शिविर बहुत जल्दी, उनकी बेटी लंदन के अंदर रहती है, गुरुजी सारी तैयारियां कीजिए, जितना भी खर्चा होगा मैं मेरी ओर से देने के लिए तैयार हूँ, लंदन के सारे लोगों को हम जल्दी से जल्दी इस भक्ति की भावधारा में जोड़ना चाहते हैं। ये इजी हो रहा है, किसी को बुला बुला के पर्सनल मीटिंग टॉक करके जो आयोजन करे तो हजारों जगह पे हो जाए। गाथा नंबर 18 हाथ ऐसे रखिए, गाथा नंबर 18 व्यर्थ के संकल्प विकल्प, ऐसा होगा नहीं होगा कैसे होगा क्यों होगा, ऐसे बिना काम के हजारों सवाल को निकाल दो और दुनिया के लोगों के बारे में सोचना भी छोड़ दो, आपको क्या अच्छा लग रहा है और आप क्या कर सकते हो, आपको सिद्धि चाहिए तो जैसे गुरु महाराज ने बोला है आपके पास जो भी धन है 50% धन धर्म में लगा दो, आपके साथ भी अमेजिंग चमत्कार 100% हो सकते हैं, लेकिन कुछ करोगे नहीं कोई एक्शन नहीं लोगे तो जैसे आप जीते थे सुबह में नाश्ता किया खाना खाए सो गए, अंतिम जीवन के अंदर बीमारी ने शरीर को जकड़ लिया और वो पूरी जिंदगी का कमाया हुआ धन हॉस्पिटल के अंदर खत्म हो गया। 18वीं गाथा धर्म ध्यान के अंदर स्थिर, आपका बेटा बेटी अलग 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 धर्म के अंदर चले गए, कोई किसी को हिंदू गमता है किसी को मानवता गमती है, लेकिन आपको दुख होता है कि भाई मुझे तो इसको भगवान का भक्त बनाना है, उनको एक गाथा का पानी करके पिलाइए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए नित्योदयं दलितमो अमांधकारं गम्यं नराहो वदनस्य नवारिदानं विप्राजदे काव्यमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपो त्वशशां ओम नीमारम नो विलवटि वताडम ओम नमो भगवते जय विजय मोय मोय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ये गाथा बहुत ही प्रभावशाली, ऐसे मुट्ठी करना, सभी लोग मुट्ठी कीजिए, कभी भी आपको नजर लग जाए, कभी आपके साथ ऐसा अनहोनी हो या ऐसी कोई जगह से आप जाकर के आए आपका शरीर भारी भारी हो जाए या आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरे पे बहुत हावी हो रहा है अब मैं क्या करूं, नकारात्मक एनर्जी का, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, तो नकारात्मक एनर्जी कल लेके आना कपूर सब लोग, कल शनिवार है, आदेश रखिए मस्तक के ऊपर ऐसे घुमाइए सभी लोग स्लोली स्लोली धीरे 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 हमारे भीतर ये गाथा, तो हमारी नजर जो है हमारे जो विचार जो कमजोर हो चुके हैं, भगवान को शासन को पाने वाला श्रावक कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो जाता है, समझ में नहीं आता है, भोजन के अंदर बार 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 बाल आता है, नजर लगने का सिम्टम्स, आप खाना खाने के लिए बैठेंगे तो आपकी जीभ के ऊपर कोई टेस्ट नहीं आएगा, आपको नजर लगी है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है उसका पता कैसे करोगे, आप जैसे ही दीपक को प्रगटाओगे दिया बुझ जाएगा, प्रार्थना में मन नहीं लगना, ये सारे सिम्टम्स सारे जो लक्षण है वो नजर लगने के हैं, और उसी के लिए गाथा नंबर 19 सर्व प्रकार की पर विद्या
भाग्यहीनता, आपको लग रहा है कि मैं बरसों से 10,000 ही कमा रहा हूं, बरसों से 25,000 ही कमा रहा हूं, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, भाग्य का अभ्युदय नहीं हो रहा है। आपकी शक्ति को समझने वाले लोग आपके करीब नहीं आ रहे, तो उसके लिए गाथा नंबर 19 ऐसे याद रखिए, स्लोली स्लोली। किम सर्वरी सुससिनानि युष्मन्मुखे नृदलिते सुतम् निष्पन्नशालि ओम राम निम्रम राम एक सर वसट नमः स्वाहा। अद्भुत ऐसा मंगलकारी विधान और सबसे बड़ी पावरफुल चीज, अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइंट नहीं किया है तो खास ये ज्वाइंट कर ले, और बहुत जल्दी हम एक और प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिनका नाम है गर्भ संस्करण। एक व्यक्ति का मैं 13वीं तारीख को परिचय कराऊंगा, और गुरु भगवंत ने जो ध्यान की प्रक्रिया अलग 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 आचार दिनकर नाम का स्तोत्र ग्रंथ 16 संस्कार और उसके अंदर बताया है कैसे हम वस्तुपाल तेजपाल पितृण सा भमासा उत्तम संतान का समाज के अंदर पूरी तरह से गर्भाधान संस्कार और उसके अंदर लोगस का ध्यान, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कमर है पीछे पीछे हाथ लगाइए सभी लोग बराबर नीचे, वहां पर 3.5 हाथों के अंदर एक 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 नाग सर्प जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, वो बहुत सारे चीजों में वर्क करती है। हाथ आगे ले दीजिए, जैसे ऊर्जा का उत्थान करना हो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ये कुंडलिनी शक्ति काम करती है। दूसरे नंबर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें तो हम सुनते हैं लेकिन उनके ऊपर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहां पर भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जितनी ज्यादा जागृत होगी, कोशिश करें आप नए जैनों को बनाएं, लेकिन नए जैन नहीं बना सकते तो आज ये पुस्तक का फोटो, ये 20वीं गाथा का फोटो लेकर के आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है आप लोगों को रिंगटोन मिल गई कल की, मोबाइल की रिंगटोन आपके फोन में आ गई, लगा दिया आप लोगों ने, बाकी है कल सबको वही लगाना है और 21 दिन तक वही रखना है। उसके अंदर जो हमने तांतपुरा है, वायोलेट है, फ्लूट है, उनके जो शब्द है दिन में 5, 7, 10 बार जब आप बजाएंगे, सबसे पहले आप अपना आभार मानो, 4 धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद, फिर प्रभु को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, और आखिरी उसमें एक वर्ड से है जो बार बार बोलिए, स्वयं को भी धन्यवाद। गाथा नंबर 20, विश्व के अंदर आपके द्वारा जितने भी नए परिणीत या जिनकी शादी को 5 साल 7 साल 10 साल हो चुके हैं, IVF दुनिया भर की सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आंखें बंद कर दीजिए सभी लोग, प्रभु जिन जिन लोग हैं जो मां बनना चाहते हैं, जो जैन शासन को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन सभी के घरों के अंदर उत्तम पुत्र रत्न पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, जैन शासन जाजल्यमान बने, अभिभूत मुनि आए,
दुनिया भर के उत्तम जो श्रावक श्राविका का जो चरित्र है, ऐसे श्रावक श्राविकाओं से हमारा जैन समाज खचो खच खूब बढ़ रहा है। हमने 40 करोड़ जैनों 50 करोड़ जैनों की बातें तो सुनी थी, पुनः इसी तरह से जैन शासन का अभ्युदय काल, जैन शासन का समृद्धि काल का शुभारंभ भक्तामर स्तोत्र की 20वीं गाथा सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे। ज्ञानम यथा दैवीवादि कृता नैवं दुःखा च सकले। जो भी महिला मां बनना चाहती है पेट के ऊपर हाथ रखिए और ऐसा भाव कीजिए कि मैं साक्षात मरुदेवी माता बन चुकी हूँ, मैं 24 तीर्थंकर भगवंत की माता बन चुकी हूँ। और सौराष्ट्र के अंदर तो एक अद्भुत श्लोक है, जननी जन तो भक्त जन का दाता का सूर, नहीं तो रेंजे वांजनी मत गुमावी सनूर। इस भक्तामर को समझने के बाद 20वीं गाथा मुझे मिल गई है, गुरु भगवान का सानिध्य मुझे मिल गया है। 1, 2, 3 ऐसे रत्न को मैं जैन शासन को समर्पित करना चाहूंगा। एक मेरे साथ में रहेगा, एक देश की सेवा करेगा और एक ऐसे सुद्रमा स्वामी जी के पाठ के ऊपर बैठ करके अद्भुत हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन करेगा। आंखें बंद, हजारों नए बच्चे जैन शासन के अंदर आगमन हो रहे हैं। वर्तमान में जितनी भी महिलाएं अलग 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 आईवीएफ जो भी टेस्ट में भी आदि ट्रीटमेंट ले रही है, हमारी शुभ प्रार्थना उन सभी महिलाओं के साथ में है और उन सभी महिलाओं के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ रही है। और आने वाले समय के अंदर ये धर्म रसिक वाटिका शिविर के माध्यम से हजारों नए बच्चे जैन शासन के अंदर आगमन हो रहे हैं। ओम रीम अरहम नमो चारणानं ओम द्राम श्रीं तुम्दा शत्रुभय निवारणय ठ नमः स्वाहा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। खूब नमन करते हुए भगवान का संकीर्तन करेंगे और इसी भावधारा में अंतिम 5-1 मिनट मलय भाई को सुनेंगे, जो आपको आज एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट सिखाने वाले। मेरे साथ सभी को बोलना है, आदिनाथ दादा मने तारी धुन लागे, आदिनाथ दादा मने तारी धुन लागे, आदिनाथ दादा मने तारी धुन लागे, दादा तारी धुन लागे, आदिन हाथ ऊपर हाथ ऊपर, आदिनाथ दादा मने आदिनाथ दादा मने तारी धुन लागे, जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो आदिनाथ, प्रेम से बोलो आदिनाथ, हमारा मन आदिनाथ, रोमे रोमे आदिनाथ, जाजू आदिनाथ, अरु अरु आदिनाथ, आदिनाथ आदिनाथ, श्री आदिनाथ भगवान।
सिद्धा चलगिरी नमो नमः विमला चलगिरी बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। कल स्पेशल बहुत पावरफुल, सभी लोगों की नजर कैसे उतारी जाए, कैसे आप और स्वस्थ बने, इनकी पावरफुल चीजें सिखाने वाला हूँ। जितने भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सभी लोग अपने घर पे कपूर रख कर के बैठेंगे, वो एक अद्भुत कपूर का प्रयोग हम सभी लोग करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज रात को बराबर 8 बजे आपको पारस चैनल के माध्यम से जुड़ जाना है और आपके सारे रिश्तेदारों के साथ में एक अद्भुत श्रुतक ज्ञान रक्षा का, श्रुतक ज्ञान भक्ति का महाकुंभ लगातार। यहाँ तो 13 दिन के अंदर हमारी शिविर खत्म हो जाएगी, वहाँ पर 60 दिन तक लगातार ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोग सीखने वाले हैं। तो रोज़ ये सारी साधना सीखते रहे। रोज़ सुबह में 9:30 बजे आदिनाथ चैनल के ऊपर भी ये पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा। जब भी जिसको जहाँ टाइम मिलता है, सीखिए, समझिए, अपने जीवन को, अपने गुणों को एक और लेवल पर लेकर के जाइए। छनक रहा कुछ भी बोला गया हो, मन वचन गाया करे मिच्छामी दुक्कड़म। रविवार को खास अपने बच्चों को लेकर के आइए। 2-5 ही बच्चे हैं जिसके अंदर 5वें दौरान से कॉलेज तक के बच्चों को, क्योंकि जिससे हम सरस्वती माता का एक ऐसा पावरफुल हीलिंग और एक ऐसी पावरफुल चीज, जिससे इस बार का तो कम से कम रिजल्ट जो आपने सोचा है उनसे कई गुना ज़्यादा आए। कल मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे को क्या क्या लेकर के आना है। 2-4 बच्चे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपकी दोस्त का बच्चा, स्नेही स्वजन का बच्चा यदि इस साधना से अच्छा रिजल्ट पा सकता है, 5-6 लोग भाग्य भाई के पास पास लेकर के सरस्वती माता का अनुष्ठान और 27 गाथा की अद्भुत मंत्र दीक्षा रविवार को हम सभी लोग 9:30 से 12 बजे के बीच में सीखेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आइए डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से। कैसे आप अपने हाथों से पूरी तरह से स्वस्थता को प्राप्त कर सके, और खाना खाने के बाद आपको फटाफट ऊपर भी आना है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर कोने में बैठ करके कुछ चीज़ें आपको पर्सनली भी सिखाना चाहते हैं। तो भागने की कोशिश मत करना, खास डॉक्टर साहब से जितना ज़्यादा हो सके 13 दिनों के अंदर आप उनकी सेवा का लाभ ले सकते हैं। आइए प्रणाम। अपने एक्यूप्रेशर एटले शू? एक्यूप्रेशर एटले एवी वस्तु छे के तमे दवा वगर तमारा रोग ने मटाड़ी शको। एटले आपणे जेम पंखो चालू करवो होय तो शू करीए के आपणे स्विच पाड़ीए, बराबर? तो एवी ज रीते आपणे हाथमां अने पगमां स्विच बोर्ड छे, आपणा शरीरना जेटला भी अवयवो छे એ બધાનું હાથમાં ને પગમાં સ્વિચ બોર્ડ છે, તેનાથી જે પણ કંઈ દુખાવો થતો હોય, દુઃખ દર્દ હોય, કંઈ રોગ હોય તો એ મટી શકે છે, એના માટે છે। તો આપણે એક જે જનરલ છે પ્રોબ્લેમો એના 3 પોઈન્ટ્સ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં છે કે ઘૂંટણનો દુખાવો, જેને ઘૂંટણનો દુખાવો થતો હોય એવા લોકોને માટે આ છે। બીજી અને ત્રીજી આંગળી પર આમાં, આ જે પહેલો ને બીજો વેઢો છે, જે બીજો વેઢો છે ને વેડા ઉપર દબાવશો, એ પ્રેશર આપશો ને તો એ તમારો ઘૂંટણનો દુખાવો દૂર થશે। પછી કમરના દુખાવા માટે જે લોકોને ફરિયાદ છે એ લોકો માટે, લોકો યા સબ લોગ યહાં પર દેખીએ, એક વાર ફિટ સે દિખાઓ ડોક્ટર સાહેબ, ઘૂંટણનો દુખાવો જે છે એના માટે આપ મારું માઈક આપી દો સ્ટેન્ડ સાથે। ઓકે, આપણે બીજો ને ત્રીજી આંગળી જે છે ને એ આપણા ટીચરના દુખાવા માટે છે, એમાં પહેલો બીજો વેડો જે છે, આ બીજો વેડો, એની આગળ તમે આ દબાવશો ને આ રીતે તો તમને દુખાવો થતો હશે। હવે જેને જેને દુખાવો થાય છે ને એ જ્યાં સુધી આ દુખાવો મટી જાય ને ત્યાં સુધી તમારે કરવાનું છે, એટલે 5-1 મિનિટ તમે પ્રેશર કરશો તો તમારો ટીચરનો દુખાવો મટી જશે। એવી રીતે જેમ સ્વિચ બોર્ડ છે ને કે આપણે પંખાને અડવા નથી જતા, તેમ છતાં આપણે પંખો ચાલુ કરીએ છીએ ને, એવી જ રીતે આ સ્વિચ બોર્ડ છે કે આપણે એને ચાલુ કરી શકીએ છીએ। એવી રીતે બીજી ત્રીજી આંગળી, પછી કમરના દુખાવા માટે આવી રીતે હાથ કરશો ને, જોઈ લો કમરના દુખાવા માટે, પછી એની અંદર વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને અહીંયા દબાવશો ને, આ બધા પોઈન્ટ્સ છે, આ બધા પોઈન્ટ દબાવશો ને તો તમારા કમરનો દુખાવો મટી જશે, બરાબર?
અને ત્રીજું એક ખાસ વસ્તુ કહેવાની કે બધાને બેઠા બેઠા થાક લાગ્યો હશે ગુરુદેવને બધાને જે આપણે આખા શરીરમાં જે થાક હોય છે ને થાક માટેનો પોઈન્ટ છે આ છેલ્લી આંગળીનો એક્યુપ્રેશરમાં 36 નંબરનો પોઈન્ટ કહેવાય છે કે આ તમે દબાવશો ને 5 મિનિટ 7 મિનિટ તમે દબાવશો તો તમારો થાક મટી જશે 5 થી 7 કલાક તમે ફરીથી એનર્જેટિક રહીને કામ કરી શકો એવી આ વસ્તુ છે આની અંદર અને ખાસ હા બંને આંગળીમાં ચાલશે બંને આંગળીમાં ચાલશે હા હા છેલ્લી આંગળી નો પહેલો જ પોઈન્ટ છે હા બંને હાથની લઈ શકાય વારા પર લેવાની એક્યુબ્રેશન આ જીમી કહેવાય છે એને પ્રોપર પોઈન્ટ આપી શકો પ્રોપર જગ્યા મળી જાય પછી આ તમે એકવાર પોઈન્ટ શોધી લીધો પછી એને ક્લોકવાઇઝ કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કરવાનું છે ફેરવવાનું છે 2-5 મિનિટ આ રીતે ફેરવશો ને તો આ તમારો દુખાવો વધશે તમને એવું લાગશે આ આઉચ એ પોઈન્ટ છે એ તમે એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ છે એ દુખાવાનો એક્ઝેક્ટ આ પોઈન્ટ છે એ તમે એને રિલીઝ કરી દેશો તો તમારો જે વસ્તુ જે જગ્યાનો પ્રોબ્લેમ છે એ દૂર થશે અને ગુરુદેવે કીધું એવી રીતે આપણે જમ્યા પછી જેને બી કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો 10-15 મિનિટ તમે આવી જજો હું તમને બતાવી દઈશ તમારા પોઈન્ટ્સ ધન્યવાદ જીતને ભી લોગ હમારે સાથ મેં લાઈવ મેં હૈ આપકો કોઈ ભી ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ હૈ તો જરૂર આપ કોમેન્ટ મેં ડાલે ડોક્ટર સાહેબ આપકા ટોટલ સોલ્યુશન આને વાલે દિનો કે અંદર બતાને વાલે હૈ તો ફિઝિકલ ફિટનેસ કે લિયે ખાસ 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 ઇનકો દેખે ચલો વાસસ્કેપ સે પૂજન કીજે મંત્ર જાપ ઓમ રીમ નમો હરિયંદાણમ સિદ્ધાણમ જુરિણમ વજ્જાણમ જાઉણમ અમૃદ્ધિમ રુદ્ધિમ સમેતમ ગુરુ ગુરુ સ્વાહા ઓમ રીમ નમો હરિયંદાણમ સિદ્ધાણમ વાયરિણમ અમૃદ્ધિમ સમેતમ ગુરુ ગુરુ સ્વાહા જીગરભાઈ ઓમ રીમ નમો હરિયંદાણમ સિદ્ધાણમ જુરિણમ વજ્જાણમ જાઉણમ અમૃદ્ધિમ રુદ્ધિમ સમેતમ ગુરુ ગુરુ સ્વાહા ઓમ રીમ નમો હરિયંદાણમ સિદ્ધાણમ જુરિણમ અમૃદ્ધિમ રુદ્ધિમ સમેતમ ગુરુ ગુરુ સ્વાહા ओम ऋण नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो उज्जाणम सावणम वृद्धि वृद्धि समेतम गुरु गुरु स्वाहा ओम ऋण नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो उज्जाणम सावणम वृद्धि वृद्धि समेतम गुरु